चलिए तो लेट अस स्टार्ट नाउ लेट अस स्टार्ट अबे विद दिस और इसके लिए मैं मटेरियल कॉस्टिंग वो कर रहा हूं ओके दिस इज समथिंग लाइक यू नो फॉर मी इट इज टू 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 इंपॉर्टेंट कि ये चीज तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए मॉड्यूल uh, के अंदर एक फॉर्मूला है बट दैट फार्मूला हैज अ फुल स्टोरी बिहाइंड इट ओके अनलेस एंड अंटिल यू नो दैट कंप्लीट थिंग कि ये वाला चीज क्यों इवॉल्व हुआ यू विल नेवर एवर बी एबल टू अप्रिशिएट हाउ ग्रेट इज अ थियरी एंड दिस इज स्टिल्स एवर देयर इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट ओके तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट के ना इससे अच्छा काम कभी नहीं हुआ okay, as compared to this entire theory. Costing ना बहुत ज्यादा चीज है इवॉल्व वो नहीं हुई लेकिन जो भी इवॉल्व हुआ उसके दिस थिंग okay, अभी देर आर मेनी थिंग्स जो आपकी बुक के अंदर है बट आई मेक यू ऑल राइट बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेम्बर दैट फॉर अंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं तो सुनो बराबर से सुनना वोट बी सेइंग बराबर से सुनना सब लोग कल अपना फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक चीज का बात हुआ था सपोज फॉर स्मॉल एग्जांपल मेरे को ना मेरे घर में पूरे साल के अंदर पचास किलो ऑफ चीनी की जरूरत पड़ती है ठीक है पचास किलो ऑफ चीनी की जरूरत पड़ती है मैं सोच रहा था दिस इज वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर ईयर दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर ईयर ठीक है इतना शुगर वी रिक्वायर फॉर द एंटायर ईयर आई वॉज थिंकिंग यार जब मैं एक बार मार्केट जाता हूं ना जब मैं एक बार मार्केट जाता हूं तो मैं एक बारी में कितना चीनी खरीद के लेके आऊ ठीक है वो मेरा आज का और नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है कि एक बारी में कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करने का ठीक है सो दे फोर आई वॉन्ट बी गोइंग टू द मार्केट एंड आई वॉन्ट बी परचेसिंग पूरे साल के लिए कितना चाहिए पचास किलो दिस इज बेस्ड अपॉन द नीड्स ऑफ माई फैमिली तो मेरे को पूरे साल के ना पचास किलो वो चीनी की जरूरत पड़ती है ठीक है मैं सोच रहा था एक बारी में कितना खरीदूँ ठीक है नाउ यू हैव टू रिप्लाई वेन एवर आय आस्क यू ऑल ठीक है तो इफ यू ऑल कैन ओके एंड दैट टाइम अभी तुम लोग बात करोगे तो चल जाएगा फॉर दिस इनिशियल पार्ट ठीक है फिर उसके बाद यू विल नॉट बी स्पीकिंग अप ठीक है मेरे को जरा सोच के बोलना मेरे को मार्केट जाके चीनी खरीदने का है पूरे साल के लिए तो पचास किलो चाहिए मैं मार्केट जाके क्या इकट्ठा पचास किलो खरीद कर लेकर आ जाऊ मेरे को बोलो येस और नो नो चलो ठीक है तो इफ यू आर सेइंग नो तो मतलब देर विल बी सम प्रॉब्लम दैट यू विल बी फेसिंग वट इज अ प्रॉब्लम अगर मैं पचास किलो इकट्ठा खरीद लू तो मेरे को बोलो कि प्रॉब्लम क्या है चलो ठीक है एक चीज खराब हो जाएगा ठीक है चलो कुछ और बोलो लेकिन कॉस्ट कभी ना कभी तो लगनी है ना मैडम चलो स्टोरेज प्रॉब्लम नाइस आंसर ठीक है अभी फॉर स्टोरिंग पचास किलो आई रिक्वायर अ वेरी बिग स्टोरेज ऑल्सो तो मुंबई के अंदर मेरे ख्याल से डोंट हैव प्लेस फॉर लिविंग आल्सो ओके तो 50 किलो चीनी यार मैं किधर रखू ओके कुछ और बजट प्रॉब्लम प्रॉब। चलो ठीक है आई कॉल दिस थिंग इंटरेस्ट प्रॉब्लम ओके इंटरेस्ट बोले तो अभी 50 किलो चीनी खरीदने के लिए ये ना हो मेरे को लोन लेके उसके ऊपर इंटरेस्ट तो वो अभी मैं चीनी तो ई के ऊपर नहीं खरीदने वाला बॉस ओके तो एक बारी में 50 किलो खरीदना दिक्कत है चलो देन आई थॉट द अदर वे राउंड 50 किलो नहीं खरीदूंगा मैं क्या करता हूं जब भी मेरे को चाय पीना होता है जब भी मेरे को चाय पीना होता है मैं उसके एक चम्मच चीनी डालता हूं जब भी मेरे को चाय पीने का है, एक चम्मच चीनी की जरूरत है मैं मार्केट जाएगा मैं बनिया को बोलेगा भाई मेरे को एक चम्मच तो चीनी देना मेरे हाथ में दे दे चल ओके मेरे को बोलो ऐसा करूंगा क्या चलो ऐसा भी नहीं करूंगा योला सिंह की ऐसा भी नहीं करेगा तो मेरे को जरा बोलो ऐसा करने के अंदर क्या तकलीफ है हाँ बढ़िया जाओ चलो ठीक है आई थिंक इन दिस केस द बेस्ट आंसर इज दर आई वॉन्टेड सर बहुत बड़ा त्रास का काम है सर ओके अपने को बार बार तो वो जाना पड़ेगा ओके okay, हर दस मिनट के बाद किसी ना किसी को घर के अंदर चाय या दूध या चीनी तो चाहिए ओके okay, तो जब भी चीनी चाहिए तो मार्केट जाएगा क्या ओके okay, सो so दे फोर ट्रैवलिंग कॉस्ट विल राइज ओके okay, ऐसा ना हो कि चीनी से ज्यादा तो ट्रैवलिंग कॉस्ट ही लग जाए ऐसा हो सकता है ठीक है सो वन क्वेश्चन दैट राइजेज इज इन दिस इज माई क्वेश्चन फॉर द डे हाउ मच टू बाई बट आई कंप्लीट दिस सेंटेंस हाउ मच टू बाई एट वन टाइम ओके मैं एक बारी में कितना रॉ मटीरियल खरीदू सब लोग मेरे को जरा बोलो है क्वेश्चन फॉर टूडे एक चीज जरा याद रखना आई नो हाउ मच टू बाय फॉर द एंटायर ईयर आई नो दैट हाउ मच टू बाई फॉर द एंटायर ईयर मेरे को यह मालूम है पूरे साल के लिए कितना खरीदने का है ठीक है तो बोलते सर अगर ये भी नहीं मालूम तो तो कल के क्वेश्चन की तरह परचेज बजट बनाना ठीक है बजट से आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल कल हमारा एम वन का देखो तुम्हारी नोटबुक्स रॉ मटेरियल एम वन का पूरे साल का रिक्वायरमेंट देखो हम लोगों को पूरे साल के अंदर कितना यूनिट्स ऑफ एम वन खरीदना था देखो तुम्हारे परचेज बजट के अंदर है आई थिंक टू लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड टू फोर्टी थ्री प्लस द क्लोजिंग स्टॉक लेस द ओपनिंग स्टॉक करेक्ट नो तो पूरे साल के अंदर मेरे को मालूम है कितना खरीदने का है आई नो दैट ओके बट आई वॉन्ट टू बी फाइंडिंग आउट यार एक बारी में कितना खरीदू ओके दैट इज वट एवर इज माई क्वेश्चन फॉर टूडे हाउ मच टू परचेज एट वॉन्ट टाइम ओके तुम लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर हेडिंग दो सिंबल्स यूज्ड जो लास्ट चीज वो लिखा था जो अपना क्वेश्चन नंबर फोर था उसी के बाद देखो सिंबल्स यूज या टू बी यूज चलो सुनो ये जो पचास किलो ऑफ शुगर है जो मेरे को पूरे साल के लिए चाहिए या फिर जो कल अपना टू लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड था दैट इज अ क्वांटिटी दैट आई रिक्वायर्ड ऑफ एम वन ऑल दी थिंग्स आर कॉल्ड एज ए ए का मतलब क्या होता है लिखो जरा प्लीज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटीरियल्स टू बी परचेस्ड इन वन ईयर रिपीट मैंने लिखा है बेटा स्क्रीन स्क्रीन पर नंबर ऑफ इनिट्स ऑफ रॉ मटीरियल्स टू बी परचेज इन वन ईयर अच्छा सुन जो मैं रेड कलर के अंदर लिखूंगा वो आप लोग नहीं लिखना सुन मैंने ना अपना परचेज बजट बना लिया है और मेरे को मेरे परचेज बजट से एक चीज पता चल गया ना मेरे को पूरे साल के अंदर दस हजार यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल खरीदने का है ठीक है नाउ एवरी थियरी इज अंडर सम अजम्पन्स ओके सो इन दिस केस आई एम गिविंग यू दोज अजम्पन्स ठीक है जो चीज जब लिखना है आई विल टेल यू ऑल ठीक है तो अजम्पन्स फर्स्ट ए इज कॉन्स्टेंट एंड नोन टू यू इन एडवांस ये थियोरी पढ़ के तुम लोगों को क्या पता चलने वाला है ये थियोरी पढ़ के मैं तुमको ये बताऊंगा कि एक बारी में कितना खरीदने का लेकिन उस चीज का आंसर निकालने से पहले तुमको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे साल के अंदर कितना मटेरियल खरीदने का है सो दे फॉर एज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज इन वन ईयर ठीक उस चीज को हम लोग ए बोल देंगे अभी अपना काम क्या है अपना काम है इन दिस चैप्टर टू बी फाइंडिंग आउट क्यू क्यू का मतलब क्या होता है Number of units of raw materials to be purchased at one time. Likho tum log. Number of units of raw materials to be purchased at one time. अच्छा सर अभी एक चीज जरा सोचो अगर ए का वैल्यू दस हजार है मेरे को ये थियरी पढ़ाकर तुम लोगों को क्या बताना है कि यार एक बारी में कितना यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल खरीदू एक बारी में कितना खरीदू दैट इज क्यू क्यू इज ऑर्डर साइज क्यू इज लॉट साइज क्यू इज सप्लायर को फोन करके बोलेगा कि भाई इतना यूनिट भेज कितना यूनिट भेज क्यू भेज आई वॉन्ट टू बी फाइंडिंग आउट बेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू ठीक है अपना आज का लेक्चर अपना नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल अराउंड लेट्स टू तो बेटा दस हजार ऑप्शन तो है ना एटलीस्ट ओके बोलते सर दस हजार ऑप्शन मतलब मतलब मैंने मेरे सप्लायर को बोला तू एक काम करना यार तू मेरे को ना एक बारी में हजार किलो भेजा कर जरा बोलो अगर मैं एक बारी में हजार किलो खरीदू तो पूरे साल के अंदर मेरे को कितनी बार मटेरियल खरीदना पड़ेगा टेन टाइम्स क्योंकि मेरे को यह वाला चीज अकम्पलिश करना है मेरे को दस हजार यूनिट तो पूरे साल के अंदर खरीदने के ही है अगर मैं एक बारी में हजार यूनिट वो खरीदता हूं तो पूरे साल के अंदर आई बी परचेजिंग टेन टाइम्स ऑब्वियसली ये एक ऑप्शन है वो तो सर और ऑप्शन क्या है यू कैन सिलेक्ट एनी फिगर फ्रॉम हियर टेल हियर एग्जाम्पल बोलते हैं सर मैं एक बारी में दो हजार खरीदूं तू खरीद ले अगर ऐसा करेगा तो साल के अंदर यू विल बी परचेजिंग कितना टाइम्स यार टाइम्स को बोलते हैं सर इतना झंझट क्यों सर सारा का सारा दस हजार इकट्ठा खरीद लो ये भी एक ऑप्शन है ओके अगर ऐसा करोगे तो साल के अंदर कितनी बार ऑर्डर करोगे वन टाइम ओके को बोलते सर वो छोड़ दो सर इतना ज्यादा आप खरीदोगे बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी सर आप एक बारी में एक ही यूनिट खरीदो ना ओके okay. अगर ऐसे करोगे फिर करते ही रहो बस और क्या ओके okay. हर पांच मिनट के बाद सप्लायर को सप्लायर एक यूनिट भेजना एक यूनिट बड़ा सा ट्रक आएगा उसके अंदर एक यूनिट आएगा तो निकाल लेना फिर ओके okay. फिर हर पांच मिनट के बाद मैं देखो एक और ऑर्डर दे रहा हूं एक यूनिट का तो एक यूनिट भेजना ओके अंडरस्टैंड इफ एस टेन थाउजेंड देर आर टेन थाउजेंड ऑप्शन फॉर क्यू यू कैन सेलेक्ट एनी डैम ऑप्शन ओके कोई बोल सकता है सर मैं एक बार में पांच सौ यूनिट का ऑर्डर प्लेस करूं तो कर अगर ऐसा करेगा यूल हैव टू बी परचेजिंग ट्वेंटी टाइम्स इन दर इज इज ऑल ओके आउट ऑफ ऑल दीस टेन थाउजेंड ऑप्शन आई वॉन्ट बी फाइंडिंग आउट द बेस्ट ऑप्शन मेरे को ये दस हजार ऑप्शन के अंदर से बेस्ट ऑप्शन चाहिए ठीक है सर विच इज द बेस्ट ऑप्शन नाउ एवरी डिसीजन ऑफ योर नो इन लाइफ शुड बी बेस्ड अपॉन सम पैरामीटर्स ठीक है ज्यूमिंग दैट क्वालिटी ऑफ रॉ मटीरियल इज नॉट अफेक्टेड बाई सच डिसीजन एंड तुमको एक चीज समझ में आएगा मैं एक बारी में जितना भी खरीदूं मैं तो रॉ मटीरियल खरीदने के बारे में बात कर रहा हूं इन चीजों का सेल्स के साथ तो कुछ ताल्लुक नहीं है सेल्स ओ तो फिनिश कुछ का होगा जरा सोचो अपना कॉशिट का चैप्टर सर वो वाले डिसीजन लेने का जिससे अपना प्रॉफिट बढ़े प्रॉफिट कैसे बढ़ता है सेल्स बढ़ाने से या कॉस्ट कम करने से ये चीजों का सेल्स के साथ तो कुछ ताल्लुक नहीं है बेटा मैं तो रॉ मटेरियल्स की बात कर रहा हूं कि रॉ मटेरियल्स एक बारी में कितना खरीदो मैं तो उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं ओके सो देर फोर इन दिस पर्टिकुलर केस ये चीजों का सेल्स के साथ क्या ताल्लुक है कुछ तो आप लोग एक बारी में जितना भी खरीदो सेल्स तो सेम ही रहेगा तो अब मेरे को जरा बोलो सेल्स तो वैसे भी सेम ही रहेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट कब बढ़ेगा जब तुम्हारा कंटिन्यू वन सेंटेंस कॉस्ट कम होगा एंड ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल कॉस्ट विच आर अफेक्टेड बाय सच डिसीजंस तो मेरे लिए वो वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है जिधर मेरा कॉस्ट कम होगा नाउ द ओनली थिंग सर विच कॉस्ट आर यू टॉकिंग ऑफ आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो सब चीजों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है ऑबियसली okay? तुम लोग ये सोचने जा रहे हो एक बारी में कितना खरीदू तो एक बारी में आप जितना खरीदोगे ठीक है एक बारी में आप जितना खरीदोगे ठीक है अगर उससे तुम्हारा कोई कॉस्ट हिलता है आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल सच पर्टिकुलर कॉस्ट सो so, वो ऑप्शन सबसे अच्छा होगा जहां पर अपना कॉस्ट सबसे कम होगा बस मैं अभी तुमको फॉर सम टाइम यही चीजें बताने जा रहा हूं यार विच कॉस्ट आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय ऑल सच ठीक है सो so, स्टार्ट तो सबसे पहले मेको जरा बोलो जब रॉ मटीरियल्स खरीदते हो विच इज द फर्स्ट कॉज दैट यू ऑल इनकर फर्स्ट कॉस्ट परचेज कॉस्ट ठीक है मैंने सप्लायर को पूछा मैंने उसको पूछा भाई तुझसे एक यूनिट अगर मैं खरीदेगा ना तो तू कितने का देगा बोलता एक यूनिट अगर आप मुझसे खरीदोगे ना तो दस रुपए का देगा ओके ये जो दस रुपया है इट इज माई परचेज कॉस्ट तो आप लोग लिखो थर्ड सिंबल सीपीयू परचेज कॉस्ट पर यूनिट ब्लू वाला भी लिखना है जो ब्लैक के अंदर है से वही लिखना ओके। सॉरी सीपीयू परचेज कॉस्ट पर यूनिट अच्छा ध्यान से सुनना जरा मैं जब भी कॉस्ट निकालूंगा ना मैं टोटल कॉस्ट निकालूंगा टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट तो अभी तक मैंने तुमको सिर्फ एक छोटा सा कॉस्ट ही बताया है दैट इज सीपीयू परचेस कॉस्ट मेरे को जरा बोलो पूरे साल का परचेज कॉस्ट विल बी विथ सिंबल इनटू व्हाट पूरे साल का परचेज कॉस्ट विल बी व्हाट इनटू व्हाट मेरे को सिंबल्स बोलना मेरे को सिंबल्स बोलना इट विल बी ऑब्वियसली ए इनटू सीपीयू कभी ये मत बोलना सर आई थिंक इट विल बी क्यू इनटू सीपीयू नहीं बेटा मेरे को जरा बोलो व्हाट इज क्यू क्यू इज नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू ऑर्डर एट वन टाइम देखो एक लाइन बोलता है क्यू क्यू करके अल्टीमेटली पूरे साल के अंदर यू विल परचेज ए यूनिट तुमको समझा जो मैं बोला yes, तो अगर मैं एक बारी में सपोज हजार खरीदता हूं ठीक है तो मेरा क्यू का वैल्यू हजार हो जाएगा ठीक है तो ऐसा हजार मैं कितनी बार करूंगा दस बार, दस बार. तो मतलब पूरे साल के अंदर तो दस हजार यूनिट ही खरीदोगे ना ठीक है तो पूरे साल का परचेज कॉस्ट विल बी दस हजार इंटू दस आप लोग नेक्स्ट सिंबल जरा लिखना राइट नाउ टीपीसी पर एन एम इज इक्वल टू टोटल परचेज कॉस्ट पर एनम इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए इंटू सीपीयू जो भी ब्लैक के अंदर है यू आर सपोज टू बी राइटिंग अच्छा तो मेरे इस एग्जाम्पल के ना पूरे साल के अंदर दस हजार यूनिट में खरीदूंगा इंटू दस रुपया दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी वन लाख रुपीज ठीक है तो मेरा पूरे साल का परचेज कॉस्ट वन लाख रुपीज होगा ठीक है मेरा सेकेंड अजम्पन का बारी आ गया ठीक है अजम्पन यू ऑल आर नॉट राइटिंग टिल नाउ सीपीयू इज कॉन्स्टेंट एंड नोन टू यू इन एडवांस अभी सीपीयू भी कॉन्स्टेंट हो गया मतलब ये दस रुपया भी कॉन्स्टेंट हो गया जैसा दस रुपया कॉन्स्टेंट हो गया उसका मतलब क्या है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा नहीं उसका एक बहुत बड़ा मतलब है मैंने सप्लायर को पूछा कि भाई अगर मैं तुझसे एक यूनिट खरीदता हूं तो कितने का देगा बोलता दस रुपए का देगा मैंने बोला ध्यान से सुनना मैं तुझसे एक बारी में ना हंड्रेड यूनिट खरीदेगा फिर तू हर यूनिट कितने का देगा बोलता दस का ही देगा मैंने बोला तू क्या पागल है एक यूनिट खरीदता हूं तो भी दस का देता है सौ यूनिट खरीदता हूं तो भी दस का देता है बोलता साहब हमारा एक पॉलिसी हम लोग कोई डिस्काउंट नहीं देते चाहे जो मर्जी हो मैंने बोला तेरा पॉलिसी गया भाड़ में तो मेरी बात सुन मैं तुझसे एक बारी में पांच सौ यूनिट खरीदूंगा फिर हर यूनिट कितने का देगा बोलता दस रुपए का देगा मैंने बोला तू क्या पागल है ओके एक यूनिट खरीदा है तो भी दस ओके पांच यूनिट खरीदेगा तो, तो बोलता साहब हमारे इधर वो यही होता है खरीदना है तो खरीदो मैंने बोला सुन मैं तुझसे एक बारी में ना हजार यूनिट खरीदेगा ओके फिर तू हर यूनिट कितने का देगा बोलता गेट आउट फ्रॉम हियर ओके ज्यादा बार्गेनिंग वार्गेनिंग वो नहीं करने का गेट आउट फ्रॉम हियर ओके उसने डोर बंद कर दिया मेरे को धक्के मार के निकाल दिया मैंने फोन किया उसको मैंने बोला सुन एक बारी में तुझसे दो हजार यूनिट वो खरीदेगा तो उसने फोन काट डाला मैंने बोला मैंने मन के अंदर सोचा अभी क्या करूं मैंने उसको फैक्स भेजा एक बारी में पांच हजार यूनिट मैं खरीदेगा तो ओके, okay. उसने फैक्स का रिप्लाई नहीं किया इन अदरवर्ड एक बारी में जितना भी खरीदो वो बंदा अपने को क्या नहीं देने वाला है डिस्काउंट नहीं देने वाला ट्रेड डिस्काउंट व्हाट आर हाउ यू कैन अज्यूम दैट ओके आफ्टर सॉल्विंग टू क्वेश्चन सॉल्विंग थ्री क्वेश्चन आई विल रिमूव दैटन लेकिन अभी के लिए ये वाला अजम्पन है that

तो मेरा ये वाला भी कॉस्ट कांस्टेंट हो गया ठीक है मतलब मैं एक बारी में जितना भी खरीदू मैं एक बारी में जितना भी खरीदू मेरा पूरे साल का परचेज कॉस्ट कितने रुपीस का होएगा? बोलो बनना है मैं एक बारी में सपोज के बोलते सर आप एक बारी में पांच सौ खरीदो ना चलो ठीक है एक बारी में पांच सौ में खरीदूंगा साल के अंदर तो दस हजार ही खरीदूंगा हर यूनिट विल बी सो फोर वन लैक को बोल सर एक बारी में आप आ, हजार खरीदो तो चलो ठीक है एक बारी में हजार खरीद रहा हूं पूरे साल के अंदर तो आगे बोलो था 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 था। दस हजार ही खरीदेगा एवरी यूनिट विल बी टेन रूपीज तो ये पूरे साल इन अदर अदरवर्ड्स नो मैटर हाउ मच यू परचेज एट वन टाइम तुम्हारा ये वाला जो कॉस्ट है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा अभी एक मास्टर लाइन बोल रहा हूं माई जॉब इज टू टेल यू द बेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू आज अपना लेक्चर खत्म होने से पहले यू विल कम टू नो बेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू दैट वैल्यू ऑफ क्यू विल बी बेस्ट वेर एवर योर कॉस्ट इज लीस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टाइप्स ऑफ कॉस्ट मैंने अभी तुम लोग को ना फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट गिना दिया दैट इज टोटल परचेज कॉस्ट यह तुम्हारा फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट था लेकिन ये कॉस्ट ऐसा है ना दैट नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू दैट यू सिलेक्ट ये वाला कॉस्ट तुम्हारा सेम ही रहेगा इफ देर इज एनी कॉस्ट दैट विल रिमेन सेम ओनली नो मैटर व्हाट यू डू नो मैटर व्हाट यू डू तो तुमको समझ में आएगा इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द बेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू दिस कॉस्ट इज इेलिवेंट इलेवेंट मतलब मैं ये वाले कॉस्ट के बारे में नहीं सोचूंगा क्योंकि मैं क्यू की वैल्यू जो भी सिलेक्ट कर लू आगे कुछ बोलोगे कॉस्ट तो क्योंकि तेरा कॉस्ट जो है यही वाला फिगर तो वह रहने वाला है अगर कोई कॉस्ट तेरा चेंज ही नहीं होएगा नो मैटर विच वैल्यू ऑफ क्यू यू सिलेक्ट तो अल्टीमेटली दैट इट सेल्फ मीनस की ये वाला जो कॉस्ट है इट इज यूजलेस फॉर मी वे नज यूजलेस उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका खर्चा नहीं हो रहा नहीं 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 मैं बोल रहा हूं इन ऑर्डर टू डिसाइड द बेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू दिस कॉस्ट इज इरेवेंट बिकॉज नो मैटर वॉट वैल्यू ऑफ क्यू यू सिलेक्ट आगे बोलो तुम्हारा कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहने वाला है तो ये जो कॉस्ट है ना अभी तक मेरे लिए पूरा का पूरा ये यूजलेस कॉस्ट है दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इज इरेवेंट फॉर मी बिकॉज नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू आई सेलेक्ट दिस कॉस्ट विल बी रिमेनिंग सेम ओनली ठीक है दिस इज द फर्स्ट कॉस्ट दैट आई टू ट्राई टू टीच यू बट आई टॉट यू बैड बिकॉज दिस कॉस्ट इज ब्लडी ऑफ नो यूज टू अस ठीक है तो ये वाला कॉस्ट जो है ये मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट था ठीक है तो आई एम राइटिंग ओवर हियर दिस इज फर्स्ट दिस इज टोटल परचेज कॉस्ट बट इट इज ऑफ नो यूज टू अस ठीक है देन लेट्स टॉक ऑफ सम विच आर यूज टू अस ध्यान से सुनना सर आप प्लीज माई नेक्स्ट कॉस्ट इज लिखो सी ए सब लोग लिखो सी ए कैपिटल सी स्मॉल ए लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मैंने ना मेरे सप्लायर को फोन किया मैंने मेरे सप्लायर को बोला मैंने उसको कुछ ऐसा बोला कि ना मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ना तुझसे एक बारी में 500 यूनिट खरीदेगा ठीक है 500 यूनिट खरीदेगा तो मतलब क्यू का वैल्यू मैंने 500 सौ सेलेक्ट कर लिया ठीक है जस्ट फॉर माई एक्सप्लेनेशन ठीक है मैंने क्यू का वैल्यू पांच सौ सेलेक्ट कर लिया मैंने सप्लायर को बोला भाई तू एक काम किया कर मेरे को ना एक बारी में तो पांच सौ यूनिट भेज बोलता सब भेज देगा अभी जरा सुनो ये जो पांच सौ यूनिट है कैन से दिस इज वन ऑर्डर ठीक है जब भी मैं सप्लायर को एक ऑर्डर देता हूं ना वो बंदा क्या करता है ये वाला वो मटीरियल जो है मेरे यहां तक पहुंचाएगा एक ट्रक के थ्रू ठीक है उसका ट्रक का जो साइज है ना वो सेम ही है ठीक है वो बोलता है साहब जब भी मैं आपको आ, एक ऑर्डर वो पहुंचाऊंगा ना तो मैं आपसे डिलीवरी चार्जेस लूंगा द डिलीवरी चार्ज इन दिस पर्टिकुलर के से विल रूपीज थाउजेंड पर ऑर्डर ओके मैंने उसको बोला सुन मैं एक बारी में पांच सौ यूनिट तुझसे खरीदूंगा बोलता ठीक है, है साहब मेरा ट्रक आएगा ओके इट विल डिलीवर यू द पांच सौ यूनिट मैं डिलीवरी का चार्ज वन थाउजेंड रुपीज मैंने उसको बोला सुन मैं अगर 500 के बदले में एक बारी में तुझसे 2000 यूनिट्स का ऑर्डर मैं तेरे को प्लेस करूं ओके तो तेरा डिलीवरी कॉस्ट कितना होगा बोलता साहब डिलीवरी का कॉस्ट मेरा सेम ही रहेगा आप जितना भी बड़ा या जितना भी छोटा ऑर्डर प्लेस करो अगर आप ये बोलोगे ना कि आप एक ही यूनिट मुझसे वो खरीदोगे तो भी मेरा ट्रक जो है वो उतना ही आने वाला है मेरा डिलीवरी का चार्जेस विल बी रुपीज थाउजेंड दिस थाउजेंड इज नथिंग बट ऑर्डरिंग कॉस्ट ओके ऑर्डरिंग कॉस्ट यूजली मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर सप्लायर भी ये वाला खर्चा कर रहा है यूजली ही विल चार्ज दिस खर्चा टू द बायर ओनली तो मैं बायर हूं मैं मटीरियल खरीद रहा हूं ओके मेरे लिए तो बॉस ये कॉस्ट ही हुआ फिर ओके सो so दे सारा का सारा दिस इज नथिंग बट ऑर्डरिंग कॉस्ट व्हाट इज सी ए सी ए स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आप लोग एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा कितना लग रहा है दैट इज नथिंग बट सी ए ठीक है सी ए यूजली इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बट कैन इंक्लूड मिसलिनियस कॉस्ट लाइक लोडिंग कॉस्ट अनलोडिंग कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑल दीज कॉस्ट कैन ऑल्सो गेट इंक्लूडेड फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल मैंने मेरे सप्लायर को बोला भाई एक बारी मेरा तू पांच सौ यूनिट का ऑर्डर मैं तेरे को प्लेस करता हूं तू डिलीवर कर दिया कर बोलता साहब ट्रांसपोर्टेशन का इतना रुपीज लगेगा मैंने बोला ठीक है बोलता उसके अलावा जो गुड्स का डिलीवरी वगैरह है ना वो तो आपको दोगे लेकिन मेरे को गुड्स लोड करना पड़ेगा मेरे को गुड्स आपके इधर अनलोड करना पड़ेगा सर मेरे को मेरे मजदूरों को भी पैसा तो वो देना पड़ेगा सब वो उसका एक्स्ट्रा लगेगा तो यूजुअली सी ए इंक्लूड्स ओनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बट कैन इंक्लूड लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट इफ मैंशन द प्रॉब्लम ठीक है तो सुनो सी ए स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आगे तुम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखो यूजली इंक्लूड ओनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बट कैन इंक्लूड लोडिंग And unloading cost also. Please off your mics, please. Ordering cost per order usually includes only transportation cost but can include loading and unloading cost also. Yeah. <laughs> you चल सर अभी तुम्हारा एक चीज स्टार्ट हो रहा है मैं तुमको आईसीए के कोई फॉर्मूलाज वगैरह वो नहीं बताऊंगा वो मेरे को भी नहीं आते ओके ओके लेट्स देम नो दैट्स जब भी मेरे को कॉस्ट चाहिए ना आई वांट कॉस्ट फॉर वन ईयर आई वांट कॉस्ट फॉर वन मेरे को एक साल की कॉस्ट चाहिए तो मैंने एक साल का ये वाला कॉस्ट निकाला था ना टोटल परचेज कॉस्ट पर आना तो ये जो सी ए है ना सी ए स्टैंड फॉर वॉट एक ऑर्डर प्लेस करेगा तो तेरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा कितना होगा ये तो एक ऑर्डर का कॉस्ट है ये तो एक ऑर्डर का कॉस्ट है ठीक है चलो एक अजम्पन तुम लोग को बोल देता हूं सा, साथ में ही एंड आई थिंक दैट इज बेस्ड अपॉन दिनारियो दैट आई टोल्ड यू सी ए इज कॉन्स्टेंट एंड नोन टू यू इन एडवांस ओके सी ए देखो ये चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ के मेरे को जरा बोलो तुमको मैं किस सिंबल का वैल्यू बताने वाला हूं व्हाट इज माय एम टू टेल यू द बेस्ट वैल्यू ऑफ विच पर्टिकुलर सिंबल क्यू तो क्यू के अलावा मेरे को सब कुछ तो मालूम ही होना चाहिए जब तक मेरे को बाकी चीजें नहीं मालूम मैं क्यू का आंसर वो कैसे निकालूंगा राइट right? ओके okay. तो सी एस कॉन्स्टेंट एंड नोन टू यू इन एडवांस मतलब तू एक बारी में 250 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर या 300 का या 500 का या 800 का या हजार का या 2000 का या भाई तेरा सी ए का जो खर्चा है ना जो तेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगेगा वो सेम ही लगेगा तो बोलते हैं सर इट इज नॉट प्रैक्टिकल अगर सपोज बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया तो बहुत बड़ा ट्रक आएगा ओके अगर छोटा अगर छोटा ऑर्डर प्लेस किया तो मिनी वैन आएगा सर ओके ऐसा चीज उस बंदे ने नहीं सोचा था जिस बंदे ने थियरी बनाया ठीक है और क्या है जब भी थियरीज वो बनती है ना इन एफ एम यू ऑल विल बी लर्निंग लॉर्ड ऑफ थियरीज ओके थियरी नॉट अकोमोडेट एवरी सिचुएशन इन लाइफ ठीक है सो थियरीज़ आर बेस्ड अपॉन सम काइंड ऑफ एजम्प एट पीपल मेक ताकि वी कैन अराइव एट सम काइंड ऑफ कंक्लूजन ओके सो दिस वॉज एन अजम्पन सी एस कॉन्स्टेंट एंड नोन टू यू इन एडवांस ठीक है अब तुम लोग ये मेरे साथ लिखो और उसके बाद फॉर्मूला बनाना है इसका लिखो टी सी ए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम पूरे साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा पूरे साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा ठीक है अभी तुम लोग ना एक काम जरा करो इसका फॉर्मूला बनाओ अपने मन में यूजिंग द सिंबल्स एट वी ऑल हैव यूजिंग द सिंबल्स एट वी ऑल हैव सिर्फ सिंबल्स के हिसाब से बात करना नंबर्स के हिसाब से मत बात करना पूरे साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने रुपीज का लगेगा सी ए इंटू सुनो सी ए इंटू ए बाई क्यू देखो तुम लोग क्या करो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अगर एक ऑर्डर प्लेस करता हूं तो सीए का खर्चा होता है पूरे साल का खर्चा विल डिपेंड अपॉन तो लिखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम कितने ऑर्डर प्लेस करोगे उसके हिसाब से खर्चा वो लग जाएगा तो लिखो ज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डरियल पर अच्छा पूरे साल के अंदर कितने प्लेस करोगे उसका फॉर्मूला ना तुमको आया ना मेरे को आया तो बना लेंगे जब मैंने तुम लोग को पूछा था कि यार पूरे साल के न दस हजार यूनिट खरीदेंगे चलो एक बारी में हजार खरीदेंगे तो मैंने तुम लोग को क्वेश्चन पूछा कि पूरे साल के न कितनी बार मटीरियल ऑर्डर करोगे तुम्हारा फटक से आंसर आया टेन टेन कैसे कंप्यूट किया बेटा दस हजार पूरे साल में एक बारी में हजार तो कितनी बार यू विल प्लेस दी ऑर्डर टेन टाइम्स बोले तो ए बाई क्यू तो यहां पे जरा लिखो ए बाई क्यू इन टू सी ये जो है ना ये तुम्हारा सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट है मैं इस सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट को टीसीए बोल देता हूं ठीक है यार मेरे को मेरे खर्चे कम करने हैं लाइफ खर्चे बहुत बढ़ गए यार आजकल ओके बहुत बढ़ गए तो खर्चे तुम कम करो तो एक मिनट ये वाला खर्चा तो ऐसा है कि यार वो तो कम ही नहीं हो सकता चाहे जो भी हो जाए ये वाला खर्चा कम नहीं हो सकता तो उसके बारे में फिर मैं नहीं बात करूंगा लेकिन चलो ये वाला खर्चा मैं सोचता हूं सर इसको कम करने का ट्राई करेंगे लेकिन कैसे कम करूं जरा सोचो ए तो कॉन्स्टेंट है सी ए तो कॉन्स्टेंट है मैंने अजम्पन्स के अंदर भी लिखा देर इज ओनली वन वैल्यू दैट यू ऑल कैन एडजस्ट टूडे वट इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू तुम लोग कौन सी वैल्यू चेंज कर सकते हो क्यू तो मेरे को जरा बोलो क्यू की वैल्यू ऐसे चेंज करो ताकि तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल का कम हो जाए तो मेरे को जरा बोलो फिर क्यू का वैल्यू शुड बी एज हाई पॉसिबल और शुड बी एज लो एस्ट पॉसिबल हाई पॉसिबल देखो मैं एक लाइन बोलता हूं सब लोगों के दिमाग के अंदर आ जाएगा जितना बड़ा बड़ा ऑर्डर प्लेस करेगा उतना कम बार ऑर्डर प्लेस करेगा okay? yes. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना कम हो जाएगा तो अगर मैं तुम लोग को मेरे इस एग्जाम्पल के हिसाब से बोलूं तो मेरे को जरा बोलो जो मेरा एग्जाम्पल वो चल रहा है जो रेड के अंदर है ओके okay. मेरे को जरा बोलो इफ आई हैव टू सिलेक्ट टिल नाउ टिल नाउ टिल नाउ द बेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू मेरे को बोलो बेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू शुड बी टेन थाउजेंड सर आप ना सारा का सारा दस हजार यूनिट एक ही बारी के अंदर खरीद लो अगर सारा का सारा दस हजार यूनिट एक ही बारी के अंदर खरीद लोगे तो मेरे को जरा बोलो पूरे साल के अंदर कितनी बार माल खरीदोगे एक बार तो कैन वी से विल बिकम इक्वल टू नो एज सच तो अगर आपको टीसीए का वैल्यू कम करना है अगर आपको टीसीए का वैल्यू कम करना है तो क्यू का वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर केस शुड बी एज हाई एस्ट पॉसिबल जितना बड़ा बड़ा ऑर्डर उतने कम ऑर्डर उतना मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कम लग जाएगा लेकिन क्या है थेरी ना साय, शायद सिर्फ इतना नहीं हो सकता क्योंकि अगर थेरी इतना ही होता एवरीबडी विल ऑलवेज बी ऑर्डरिंग इन बल्क ओनली ओके जब मैंने तुमको बोला कि 50 किलो शुगर इकट्ठा खरीदते हैं तुम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि माल खराब हो जाएगा स्टोरेज का दिक्कत आएगा यू टोल्ड मी दो पर्टिकुलर थिंग्स तो ओके तो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज टीसी ठीक है नाउ ये वाला चीज आपको याद रखने का है ठीक है अगर आपको ये वाला कॉस्ट कम करने का है तो क्यू का वैल्यू शुड बी एज हाई एज पॉसिबल ठीक है चलो सुनो मेरा आंसर सिर्फ इतना नहीं हो सकता मेरा आंसर सिर्फ इतना नहीं हो सकता क्योंकि अगर इतना होता हर बंदा बल्क के अंदर ही मटेरियल खरीदता तो फिर अभी एक लास्ट कॉस्ट कॉस्ट सिखा दिया है टोटल कॉस्ट सिखा दिया टोटल कोई भी बुक खरीद लो कोई भी नॉट ओनली इन इंडिया तो वर्ल्ड वाइड ऑल्सो तुमको ये वाला एक्सप्लेनेशन पूरी लाइफ के अंदर वो नहीं मिलने वाला है ठीक है ध्यान से सुना वर बी सी उससे पहले तुम लोग को एक, एक चीज मैं पूछता हूं ओके दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई हैड फ्रेम्ड फॉर द आई का एग्जाम्स ऑल्सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉमन सेंस क्वेश्चन है ओके ट्राई टू आंसर वट एवर यू ऑल कैन अभी हमारी क्लास के पास ना एक बंदा बैठता है कोल्ड ड्रिंक्स लेके ठीक है सुबह एक टाइम पर वो आ जाता है दस कोल्ड ड्रिंक्स लेकर ठीक है दस कोल्ड ड्रिंक्स लेके वो बंदा आ जाता है ठीक है और उसको ये दस कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बेचनी है ठीक है शाम तक उसका सारा का सारा जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो बिक जाता है ठीक है तो इन दिस केस बाय द मतलब शाम तक एवरीथिंग गेट सोल्ड वो बंदा घर चला जाता है ठीक है बट ही हैज टू बी सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स इन अ चिल्ड स्टेट इन अ चिल्ड स्टेट वरना कोई खरीदेगा नहीं ठीक तो उसको बॉटल्स को ठंडा रखने का खर्चा भी तो होता होगा मैं तुमको वो वाला खर्चा अब बता रहा हूं वो वाला खर्चा आई विल कॉल एज चिलिंग कॉस्ट बॉटल्स को ठंडा रखने का खर्चा ठीक है अभी ये जो चिलिंग कॉस्ट है ये जो चिलिंग कॉस्ट है बराबर से सुनना मेरी बात इट कॉस्ट सेम रुपीस टू पर बॉटल पर डे टू कीप वन बॉटल चिल्ड फॉर द एंटायर डे अगर अगर एक बॉटल को एक पूरे दिन के लिए ठंडा रखना है दिन मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग ठीक है अगर एक बॉटल को एक दिन के लिए ठंडा रखने का है तो कॉस्ट ऑफ चिलिंग द बॉटल विल बी रुपीज टू मैं तुमको खुद ब खुद ही बोल रहा हूं दिस कॉस्ट इज कंप्लीटली अवेरिएबल कॉस्ट ठीक है दिस कॉस्ट इज कंप्लीटली अ वेरिएबल कॉस्ट उसका मतलब क्या है अगर एक बॉटल को हाफ डे के लिए ठंडा रखना है कॉस्ट विल बी कितना रुपीज वन अगर वन फोर्थ डे के लिए सो देन इल बिकम पचास पैसा सो ऑन एंड सो फोर्थ अगर दो बॉटल्स को पूरे दिन के लिए ठंडा रखने का है कॉस्ट विल बिकम रुपीज फोर ओके मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं वॉट डू यू थिंक विल बी हिज टोटल चिलिंग कॉस्ट फॉर वन एंटायर डे उसका एक दिन का चिलिंग कॉस्ट का खर्चा कितने रुपीज का होता होगा आराम से सोचो पहले बीस सेकेंड तक तो सोचो आंसर मत देना मेरे को बीस सेकेंड तक सोचो बीस सेकेंड हो गए एक मिनट सब लोग मेरे को बोलना। तुमको क्वेश्चन समझा मैंने तुमको कुछ अकाउंट्स, कुछ कॉस्टिंग में तुम लोग को वो नहीं सिखा रहा हूं लेकिन ना वन क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क मी बिफोर यू कैन गिव द रिप्लाई यू शुड आस्क मी दैट क्वेश्चन एक बंदे ने मेरे को वो वाला क्वेश्चन पूछा अभी बाकी लोग भी पूछो कहते यू कॉन्ट रिप्लाई ओनी एक्चुअली सर सेल कब हो रहा है सर आप वो तो बताओ कि सेल कभी हो रहा है तो चलो ठीक है इस क्वेश्चन का भी ना मैं आंसर नहीं दूंगा लेकिन मैं ऐसे रिप्लाई करता हूं ठीक है बॉटल्स आर सोल्ड एट इवन इंटरवल्स ठीक है बॉटल्स आर सोल्ड एट इवन मतलब कॉन्स्टेंट टाइम के बाद एक एक बॉटल बिक जाता है ठीक है सम कांस्टेंट टाइम के बाद एक एक बोतल बिक जाता है बस अब मेरे को तुम लोग को कुछ और बताने की कोई जरूरत नहीं है अभी तुम लोग एक मिनट के बाद आंसर देना तुमको थोड़ा सा टाइम जाएगा एंड आई डोंट वांट एन आंसर लाइक सर इतना मिनिमम कॉस्ट होगा मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए मेरे को परफेक्ट आंसर चाहिए तो तुम लोग बोल पाओगे ठीक है लेकिन एक मिनट के बाद सोचो इन चीजों का कॉस्टिंग एफएम के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है बेटा नॉर्मल कॉमन सेंस क्वेश्चन there is nothing else that i have to reply there is nothing else that i have to reply how many hours he sits for all those questions are of no use you can assume whatever you all want answer will be same only 10 सेकेंड और है इनकेस यू वॉन्ट टू बी सिंग दस सेकेंड के बाद बोलना सम पीपल हैव करेक्ट आंसर चलो सुन देखो आंसर ट्वेंटी तो नहीं हो सकता जो बहुत लोगों ने लिखा ऑब्वियसली ट्वेंटी कैसे होगा उसका बॉटल्स बिकता भी तो रहता है ठीक है अभी मैंने जो अजम्पन लिखा ना बॉटल्स आर सोल्ड एट इवन इंटरवल्स मैं बस इसी को इंप्लीमेंट कर रहा हूं और कुछ नहीं तो बराबर से सुनना जरा ध्यान से सुनना जो मैं तुम लोगों को बोलता देखो उसके पास टेन बॉटल्स था एक बॉटल बिक गया थोड़े समय के बाद नाइन बॉटल्स रह गया एक और बिक गया एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन बंदा घर पे चला गया ठीक है वैसे तो नंबर ऑफ बॉटल्स कीप्स ऑन चेंजिंग बट इफ वन नंबर हैज टू रेप्रेजेंट दिस एंटायर डे इट विल बी से नंबर फाइव आई कैन ट्राई टू से दैट ऑन एन एवरेज ही हैड फाइव बॉटल्स फॉर द एंटायर डे कोई बोलता है सर ही नेवर हैड फाइव बॉटल्स फॉर द एंटायर डे आई एम सींग ऑन एन एवरेज ही हैड फाइव बॉटल्स फॉर द एंटायर डे बोलते सर कभी कभी नाइन भी तो थी ओके okay, बराबर है बेटा अगर कभी कभी नाइन थी कभी कभी वन भी तो थी कभी कभी अगर सेवन थी कभी कभी थ्री भी तो थी, थी? कभी, कभी अगर फोर था कभी सिक्स भी तो था कभी अगर एट था तो कभी टू भी तो था बट इफ वन नंबर हैज टू रिप्रेजेंट दिस डे इट ओके व्हाट इज फाइव यू कैन ट्राई टू से इट इज इज एवरेज स्टॉक एवरेज इज आर यूज इन रियल लाइफ अट क्योंकि तुम लोग ना जिंदगी का हर एक सेकेंड काउंट नहीं कर सकते ऑन एन एवरेज सर यही होता होगा सर ओके okay. अभी इस फाइव को तुमको तुम्हारी लैंग्वेज के हिसाब से जो भी बोलने का है बोल सकते हो कई लोग इसको मीन बोल सकता है कई लोग इसको मीडियम बोल सकता है दैट इज अंटर नंबर ओके तुमको इतना समझ में आएगा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे ही विल हैव बॉटल्स विच आर मोर देन फाइव सेकेंड हाफ ऑफ द डे ही विल हैव नंबर ऑफ बॉटल्स विच आर लेसर देन फाइव सो आई कैन ट्राई टू बी सेइंग ऑन एवरेज ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज ही हैड फाइव बॉटल्स फॉर द इंटायर डे पहले मेरे को जरा बोलो इज दिस लैंग्वेज क्लियर ऑन एन एवरेज ही हैड फाइव बॉटल्स ये लैंग्वेज समझ में आता है सब लोग मेरे को बोलो ये लैंग्वेज समझ में आता है ऑन एन एवरेज ही एग्जाम्पल्स देने के लिए जाऊं तो एग्जाम्पल्स विल नॉट एंड ऑल्सो लेकिन चलो मैं दो या तीन देने का ट्राई करता हूं एक दिन तुम्हारा स्टडी लीव भी स्टार्ट होएगा ठीक है एक दिन तुम्हारा स्टडी लीव भी स्टार्ट होगा मेरे को जरा बोलो जिस दिन स्टडी लीव स्टार्ट होगा ओके okay, मेरे को बोलो तुम लोग दिन का कितने घंटे पढ़ाई करोगे कुछ एक नंबर फेंको ना चलो तो फेंकने के अंदर क्या अपना चाहता है हा? चलो, अभी ये जो एट आवर्स बंदा बोला ये तो नहीं है दैट एवरी डे यू विल एग्जैक्टली स्टडी फॉर एट आवर्स जिस दिन स्टडी लीव स्टार्ट हुई उस दिन जोश बहुत सॉलिड था बीस घंटे पढ़ाई कर डाला अगले दिन तो हॉस्पिटल में चला गया ओके फिर जीरो घंटे पढ़ाई किया वेन यू टोल्ड एट आई थिंक एट कुड बी एन एवरेज ओनली बिकॉज यू कांट काउंट एवरी डे ऑफ योर लाइफ यू कांट काउंट एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ ओके सो एवरेजेस आर यूज इन रियल लाइफ अ लॉट ओके और एवरेजिज यूज होता ही है इन रोजमर्रा का लाइफ ऑल्सो एग्जाम्पल के तौर पे अभी अगर कोई सुबह जिम जाता है या कभी भी अगर वो जिम जाता है तो तुम लोग ट्रेडमिल के ऊपर तो भागता होगा ओके okay. मेरे को जरा बोलो एट वट स्पीड यू रन एट वट स्पीड अगर कोई एक बंदा इतने लोगों में से अगर कोई जिम के अंदर जाता है तो तो ही बोलना तो फेंकना मत मर रहा कुछ चलो टेन या ट्वेल्व चलो ठीक है टेन ओके ऑब्वियसली टेन वुड बी एन एवरेज इट इज नॉट कि तुम लोग एग्जैक्टली टेन पर ही भागते हो ठीक है अगर कंटिन्यूस वो भागते हो तो शायद शुरू में अपना स्पीड अच्छा होता है ओके पांच मिनट के बाद तो बैंड बच जाती है सो दैट टाइम आर स्पीड फॉल सो टेन कुड बी अ गुड एवरेज ओके तो ट्रेडमिल भी आपको एवरेज भी, भी, भी दिखाता है उधर ओके आपको करंट स्पीड भी दिखाता है आपको एवरेज भी दिखाता है सो वट आई एम ट्राइंग टू बी एग इज दैट एवरेज इज आर यूज अर लॉट इन रियल लाइफ सो लेट्स ट्राई टू बी डूइंग दैट डूइंग्स आर सोल्ड एट इवन इंटरवल्स कभी कभी ही विल हैव मोर देन फाइव कभी कभी ही विल है

Is very difficult to measure in an accurate way. Okay. So therefore, we tend to be using the averages a lot. Bohat lok FM a formula. Bhi okay, log Sir, average stock is opening stock plus closing stock divided by 2. Very good formula. That formula will be there in every book in this world, every book in this world. But nobody will tell you that formula that was made was under one's assumption, and that assumption is तुम लोग बोलो that the things fall or increase at a uniform rate. अगर यहाँ पे uniformity वाला चीज true नहीं है ना तो average कभी भी center number नहीं आएगा. अगर suppose मैं तुमको ऐसे बोलूँ पूरे दिन कोई bottles बिकती ही नहीं है। ओके okay, पूरे दिन कोई बॉटल्स बिकती नहीं है जब भी वो बंदा उठने वाला होता है ना तभी एक और बंदा आता है उसे दस बॉटल्स खरीद के जाता है अगर ऐसा होएगा तो हिस चिलिंग कॉस्ट विल ट्वेंटी रुपीज फॉर द डे तुमको समझा मेरी बात दैट टाइम एवरेज विल ऑल्सो बी टेन ओनली नो क्योंकि पूरे दिन अपने पास दस बॉटल्स ही थी इज दिस ओके ठीक है तो अब मैं इस बेसिस के ऊपर ना तेरे को एक अजम्पन देने जा रहा हूं ओके okay, और ये अजम्प्शन अपना क्या है ध्यान से सुनना जरा ये वाला एजाम्शन इंस्टीट्यूट ने भी ना एक्सप्लेन ही नहीं किया बट क्रक्स ऑफ सॉल्विंग दिस यार दिस अजम्पन इज रॉ मटेरियल इज कंज्यूम्ड इवनली ओके जब मैंने ये वाला अजम्पन लिखा ना जब मैंने ये वाला एजम्पन लिखा नाउ आई एम अंडर फ्रीडम टू बी यूजिंग माई फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक क्योंकि आई अज्यूम दैट रॉ मटीरियल इज कंज्यूम्ड इवनली अगर कोई चीज इवनली होती है ना देन इन दैट पर्टिकुलर केस तुम्हारा जो सेंटर फिगर है विल ऑलवेज रिप्रेजेंट योर एवरेज ठीक है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू मतलब योर सेंटर नंबर विल ऑलवेज रिप्रेजेंट योर एवरेज ठीक है चलो अभी इस चीज को बेस लेके आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग माई लास्ट कॉस्ट अभी तक तुमको टोटल परचेस कॉस्ट पर एनम सिखा दिया बट दिस कॉस्ट इज ब्लडी यूजलेस वाई इट इज यूजलेस क्योंकि सर वो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है सीपीयू कॉन्स्टेंट सर टी सी ए तो कम कर सकते हैं ना सर ओके बराबर है अगर टी सी ए कम करने का है मेरे को लास्ट टाइम बोलो क्यू का वैल्यू शुड बी एज हाई एस्ट पॉसिबल तो अभी एक लास्ट कॉस्ट में कर रहा हूं बस ये लास्ट कॉस्ट समझ में आ जाएगा माय जॉब विल बी ऑल ओवर अब ये लास्ट कॉस्ट क्या है बराबर से सुनना मैंने मेरे सप्लायर को पूछा भाई एक यूनिट तो कितने का देता है बोलता दस रुपए का देता है सीपीयू लेकिन ना मेरे पास एक यूनिट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था जब भी मेरे को सप्लायर से एक यूनिट खरीदना होता है ना मैं बैंक के पास जाता हूं बैंक को बोलता हूं मेरे को दस रुपए का लोन दो बैंक बोलता है इंटरेस्ट रेट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी फिफ्टीन परसेंट ओके ये जो इंटरेस्ट रेट है ना ये जो इंटरेस्ट रेट है दिस इन दिस पर्टिकुलर केस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज आई आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट पर एन एम मेरे इस एग्जाम्पल के अंदर वो फिफ्टीन परसेंट है ठीक है तुम लोग लिखो आई इंटरेस्ट रेट पर एनएम्यू कर जो ब्लैक के अंदर व्यू ऑल हेव रिटन यू ऑल है थिंग्स अच्छा आई इंटरेस्ट रेट पर एन एम ठीक है तो मैंने सप्लायर को पूछा कि भाई एक यूनिट तो कितने का देगा बोलता है सब एक यूनिट में दस रुपए का देगा अभी मेरे पास तो दस रुपए भी नहीं था तो एक यूनिट खरीदने के लिए मेरे को दस रुपए का लोन चाहिए तो मैं बैंक के पास गया मैंने बैंक को बोला भाई मेरे को दस रुपए का लोन दो ओके बैंक बोलता है लोन तो दे देगा लेकिन पंद्रह परसेंट का इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे दीज आर पॉपुलर कॉल्ड एज लोन्स फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग योर बिजनेस इन माई लैंग्वेज बी कॉल्ड लोन फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टॉक इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा के बिजनेस के अंदर जो पैसे की जरूरत पड़ती है सो वट एवर लोन यू टेक फॉर परचेजिंग द स्टॉक नो दीज आर कॉल्ड एज बोलो लोन फॉर फॉर वर्किंग कैपिटल या फिर इन बिग लैंग्वेज इज दीज आर कॉल्ड एज लोन्स फॉर फाइनेंसिंग योर वर्किंग कैपिटल ठीक है तो इन दिस पर्टिकुलर केस बैंक ने बोला लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पंद्रह परसेंट होगा ठीक है अब कुछ मत लिखना टिलर टाइम आई टेल यू इफ आई डिसाइड टू परचेज वन यूनिट इफ आई डिसाइड टू परचेज वन यूनिट एंड कीप इट इन माई स्टॉक फॉर वन एंटायर ईयर आई रिपीट दिस लाइन इफ आई डिसाइड टू परचेज वन यूनिट फ्रॉम द सप्लायर एंड आई डिसाइड टू कीप इट इन माई स्टॉक फॉर वन ईयर अगर मैं एक यूनिट खरीदू और उसको अपने गोडाउन में रखू फॉर वन एंटायर ईयर तो बेटा वो यूनिट खरीदने के लिए मेरे को लोन देने की जरूरत पड़ी लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो आएगा ठीक है वो जो इंटरेस्ट आएगा ना देट इज पॉपुलरली कॉल्ड है सीआई सी आई स्टैंड फॉर तुम लोग लिखो कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसका बहुत एक्सप्लेनेशन वो होएगा अभी के लिए ये वाला चीज लिखो सीआई इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अच्छा सुन आगे ये भी लिखी देना इज इक्वल टू सीपीयू इंटू आई उसके बाद में एक्सप्लेनेशन अपना स्टार्ट करता हूं CPU यू इंटू आई देखो मैं बैंक के पास गया मैंने बैंक को बोला साहब मेरे को एक यूनिट खरीदने का है मेरे को दस रुपए का लोन दो ना इफ आई डिसाइड टू परचेज मैंने वन यूनिट खरीदा और अपने स्टॉक के अंदर रख दिया फॉर वन एंटायर ईयर ठीक है तो अगर स्टॉक के अंदर रखा तो मतलब वो जो दस रुपए था उतना मेरा लोन भी तो चल रहा है उस लोन के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट भी तो वो देना पड़ेगा ये जो इंटरेस्ट है ना दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी सोचोगे ना इट इज द कॉस्ट टू कैरी योर स्टॉक हम लोग बिजनेस के अंदर क्यों बोलते हैं कि तुम्हारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्यों बेटा स्टॉक के अंदर तेरा पैसा फंसा हुआ है उस पैसे के लिए तूने शायद लोन भी तो लिया था उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो आएगा ओके वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है दैट इज नथिंग बट अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर वो लेके जाता हूं मैंने एक लाइन बीच में बोला जो शायद तुम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया इफ आई डिसाइड टू परचेज एंड कीप इट इन माई स्टॉक फॉर वन ईयर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई एम गोइंग टू बी इन दैट इज कैरिंग कॉस्ट यार नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस लाइन इफ आई परचेज वन यूनिट एंड कीप इट इन माई स्टॉक फॉर वन ईयर जरा सोचो मैंने एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल खरीदा ठीक है मैंने अपने वेयरहाउस के अंदर रखा थोड़े दिन के बाद मैंने उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और फिनिश गुड्स मेरा बिक गया तो फिर मेरे को कस्टमर ने पैसा दे दिया एक बार कस्टमर ने पैसा दे दिया मैं उस पैसे से लोन चुका देगा फिर मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ तभी तक लगता है टिल द टाइम रॉ मटेरियल स्टॉक इज देयर इन वेयर हाउस इज ओके तो दैट कॉस्ट इज कैरिंग कॉस्ट ओके कोई लोग ऐसा बोलते हैं सर मेरे पापा ने सिखाया जिंदगी में ना कभी लोन नहीं लेने का कभी इंटरेस्ट नहीं पे करने का वेरी गुड दैट टाइम सीआई कॉस्ट विल स्टिल कम बट इट विल बी ऑपरचुनिटी कॉस्ट ओके बोलते सर ऑपरचुनिटी कॉस्ट का मतलब ऑपरचुनिटी कॉस्ट का मतलब मेरे पास दस रुपया था ध्यान से सुनना मेरे पास दस रुपया था मैं कभी बैंक को देखा ही नहीं आज तक ओके okay. बैंक मेरे पास आता है लोन लेने के लिए मैं बैंक के पास नहीं जाता ओके okay. तो मेरे पास दस था अगर मैं उस दस रुपया से ध्यान से सुनना अगर मैं उस दस से वो वाला यूनिट नहीं खरीदता ना तो मैं ये दस रुपए को म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देता म्यूचुअल फंड सही है ओके तो म्यूचुअल फंड को पंद्रह परसेंट का रिटर्न दे देते लेकिन मैंने वो दस रुपया से क्या खरीद लिया स्टॉक खरीद लिया मतलब एक यूनिट खरीद लिया और वो अपने गोडाउन के अंदर रखा फॉर वन एंटायर ईयर तो कैन वी से मेरा वन पॉइंट फाइव रुपीज इंटरेस्ट लूज हो गया वॉज दिस एग्जाम्पल क्लियर सो ईदर इंटरेस्ट ये जो आई है ना ये जो आई होता है ईदर इट इज एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन द लोन दैट यू हैव टेकन और कैन यू स्पीक फॉर द इट इज ऑपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट दैट यू कुड हैव अर्न बाय नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एंड इन्वेस्टिंग समवेयर एल्फ इज इज ओके ठीक है चलो तो मेरा सी आई वाला भी काम हो गया सी आई का मतलब क्या होता है सीआई इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिस इज ऑल्सो मेनी टाइम्स कॉल्ड एज होल्डिंग कॉस्ट दिस इज ऑल्सो मेनी टाइम्स कॉल्ड एज स्टोरेज कॉस्ट ऑल दो कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट आर समथिंग दैट इज मोस्ट पॉपुलर ठीक है तो अभी के लिए इसको मैं कैरिंग कॉस्ट बोलता हूं बाद में इसके ऑल्टरनेट नेम्स में लिखवा दूंगा कभी ना कभी सो वट इज सी आई सी आई इज इफ यू परचेज वन यूनिट एंड कीप इट इन योर स्टॉक फॉर वन ईयर देन दफ इंटरेस्ट कॉस्ट दैट यू वाल इनकर और यू वर लूज ओके वो जो ऑपरचुनिटी कॉस्ट वाला था इज नाथिंग बट सी आई ठीक है बस ये अपना लास्ट चीज है इससे अपना सब कुछ खत्म हो जाता है जब भी मैंने टोटल कॉस्ट निकाला ना तो पूरे साल का कॉस्ट निकाला जरा याद करो टोटल परचेस कॉस्ट पर एनम TCA का फुल फॉर्म क्या था टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एन तो बॉस अभी हक बनता है कि मैं एक तुमको लास्ट सिंबल सिखाऊं मेरे को बोलो ये लास्ट सिंबल अपना क्या होगा TCA लिखो टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एन अच्छा टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एन एम ये वाला भी जो फॉर्मूला है ना ताकि मैं तुमको ये सिखा सकूं और तुम्हारे ऊपर फोर्स ना करूं आई गेव यू दीज इंटायर ओके तुम्हारे अलावा ऑनेस्टली तुमको बोलते हैं नॉट फॉर शो ऑफ दिल बी नो बडी इन इंडिया हु कैन डिराइव द द ऑफ वे दैट यू ऑल कैन आफ्टर दिस ओके नो वन इन इंडिया सुनो टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम एनमे को पूरे साल का कैरिंग कॉस्ट चाहिए तो एक सेकंड अगर मैं एक यूनिट अपने पास रखता हूं फॉर एंटायर ईयर अगर मैं एक यूनिट खरीद के अपने पास रखता हूं फॉर एंटायर ईयर तो मेरा खर्चा सीआई का होता है अब तुम लोग जरा सोचो तुम्हारा पूरे साल का खर्चा विल डिपेंड अपॉन व्हाट? एक सेकेंड बिफोर यू ऑल विल रिप्लाई ये वाला लाइन तो फिर से सुनो इफ आई कीप वन यूनिट विद मी फॉर वन एंटायर ईयर

ठीक yes, है तो एक मिनट यू ऑल डोंट राइट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स पर एनम ओके इट विल डिपेंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स पर एनम ये लिखना मत लेकिन क्या है ना स्टॉक इज अ चेंजिंग फिगर स्टॉक हर वक्त बदलता रहता है जब मैं रॉ मटेरियल्स खरीदता हूं मेरा स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल बढ़ जाता है उसके बाद मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम करता हूं तो मेरा स्टॉक कम होता रहता है तो माई स्टॉक कीप्स ऑन चेंजिंग ओके इफ एनीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग यू कांट कीप अ ट्रैक लाइक दिस तो मेरे को फिर स्टॉक पर एनम के बदले में क्या लिख लेना चाहिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स पर एनम क्योंकि मैं हर एक चीज का तो ट्रैक नहीं रख सकता सो लेट्स हैव एवरेज ताकि तुम लोग को एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल समझ में आ जाए मैंने वो कोल्ड ड्रिंक्स वाला एग्जांपल दिया था वही वाला एग्जांपल अब कोई और वैसे सुनो सेम सेम चीज है बिल्कुल वैसे दो मेरे को बोलो मैं एक बारी में कितना यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल खरीदूंगा सिंबल बोलना सिंबल बोलना एक बारी में क्यू मैंने क्यू यूनिट्स सप्लायर को बोला भाई भेजना मेरे को उसने भेज दिया मैं कंज्यूम करता गया कंज्यूम करता गया कंज्यूम करता गया सपोज दस दिन के बाद मेरा स्टॉक जीरो हो गया ठीक है दस दिन के बाद मेरा स्टॉक जीरो हो गया ठीक है जैसे ही स्टॉक जीरो हुआ मैंने सप्लायर को बोला फिर से मेरे को क्यू यूनिट्स तू भेजना ओके okay, उसने फिर से क्यू यूनिट्स भेजा कंज्यूम करता गया कंज्यूम करता गया दस दिन के बाद जो स्टॉक है तो वो जीरो हो गया सो दे आफ्टर टेन डेज इन दिस पर्टिकुलर केस स्टॉक वॉज जीरो ओके okay. तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला जो साइकिल है ना चलता रहा हर दस दिन के बाद आई ऑर्डर क्यू यूनिट्स एंड इट बिकम बिकम जीरो मतलब आफ्टर डेज स्टॉक बिकम जीरो आई ऑर्डर द न्यू स्टॉक ये वाला जो काम है ये चलता रहेगा पूरे के पूरे साल ठीक है अब बराबर से सुनना कैन बी से इफ रॉ मटीरियल इज कंज्यूम्ड इवनली मैंने इधर अजम्पन मारा ना यार ओके okay. कैन वी सेफ रॉ मटीरियल इज कंज्यूम्ड इवनली बराबर से सुनना तो देख इस साइकिल का जो एवरेज स्टॉक है अगर इस साइकिल का एवरेज स्टॉक क्यू बाई टू है तो नेक्स्ट साइकिल का भी एवरेज स्टॉक क्यू बाई टू होगा नेक्स्ट साइकिल का भी स्टॉक जो एवरेज स्टॉक है क्यू बाई टू होगा अभी एक आकाशवाणी कर रहा है देखो समझ में आता कि नहीं अगर हर दस दिन का एवरेज स्टॉक इज क्यू बाई टू पूरे साल का एवरेज स्टॉक विल ऑल्सो बी क्यू बाई टू ऑन बाई टू बोलता है, सर आपने क्या बोल दिया सर बिल्कुल गलत बोला सर वो ऐसा थोड़ी होता है अच्छा एक मिनट चलो लेट्स अज्यूम थ्री सिक्सटी डेज इन अयर तो कैन वी से इफ यूम थ्री सिक्सटी डेज इन माई एग्जाम्पल कैन वी से दिस इज वन साइकिल दिस इज सेकेंड साइकिल दिस इज थर्ड साइकिल ऐसा टोटली थर्टी सिक्स साइकिल होएगा न बी से हर साइकिल का एवरेज स्टॉक yes, तो कई लोग को लगता है सर लेकिन पूरे साल का एवरेज स्टॉक क्यू बाई टू वो कैसे होगा पूरे साल के लिए तो यू शुड एड यू शुड एड आपको ऐसे छत्तीस बार क्यू बाई टू एड करना चाहिए लेकिन अगर आप लोग छत्तीस बार क्यू बाई टू एड कर रहे हो तो आपको एवरेज निकालने के लिए छत्तीस से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा चलो ठीक है इफ वन परसेंट ऑफ द पीपल डोंट एग्री विद मी आई विल गिवियड एग्जाम्पल वियर्ड एकदम बराबर से सुनना जरा ओके okay? अभी मेरे घर पर ना एवरी डे इन मॉर्निंग ओके एवरी डे इन मॉर्निंग हम लोग दो लीटर ऑफ दूध लेते हैं ठीक है वी टेक टू लीटर जो बंदा दूध डिलीवर करता है वो घर में आके दूध दे जाता है ठीक है बाई द जैसी दूध आता है हम लोग उसको फ्रिज के अंदर वो रख देते हैं ठीक है थीके? जिसको वो पीना होता है फ्रिज से निकाल के वो पी देता है ठीक है बाई द एंड ऑफ द डे मतलब रात तक इन दिस पर्टिकुलर केस पूरा का पूरा जो दूध है खत्म हो जाता है ठीक है इफ आई से रॉ मटीरियल इज कंज्यूम्ड इवनली इफ आई से रॉ मटीरियल इज कंज्यूम्ड इवनली मतलब मिल्क इज कंज्यूम तो इवनली तो कैन वी से The average amount of milk in my fridge for the entire day will be nothing but one liter. Is that okay? First half of the day I will have more than one liter. Last half of the day I will have lesser than one liter. But on an average, it will be one liter. minute. Is this okay? Abhi mira next statement, Sunnah. मेरा रोज का एवरेज स्टॉक रोज का एवरेज स्टॉक क्वेश्चन रहता है मेरे को बोलो वॉट विल बी योर आंसर वन लीटर तुम लोग ये थोड़ी बोलोगे सर तीन सौ पैंसठ लीटर ओके okay. बेटा मैंने भैंस थोड़ी अंदर रख दी ओके इन दिस पर्टिकुलर केस अगर रोज का एवरेज इज वन लीटर तो पूरे साल का एवरेज विल ऑल्सो भी वन लीटर ये समझा सब लोग को मेरा रोज का एवरेज स्टॉक इन दिस लीटर तो पूरे साल का एवरेज विल बी वन लीटर ओके तो अब जरा सोचो अगर हर दस दिन का एवरेज स्टॉक इज क्यू बाई टू तो पूरे साल का एवरेज विल ऑल्सो भी क्यू बाई टू ओके तो बस मेरा काम खत्म हो गया पूरे साल का एवरेज स्टॉक इन दिस पर्टिकुलर केस विल आल्सो बी कितना Q बाई टू तो Q बाई टू इंटू सी ये वाला चीज लिखो तुम लोग चलो सुनो अभी सुन, अभी एक और चीज मैंने ना एक्चुअली एक थर्ड अजम्पन भी मार लिया तुम किसी को भी पता भी नहीं चला मेरा टैलेंट सुनो देखो मैंने क्या किया जब मैंने एवरेज चौक यहां पे क्यू बाई टू किया ना क्यू बाई टू किया ना मैंने एक और अजम्पन भी मार लिया लियान क्या मारा कि जैसे ही ये जीरो होता है ना ये वाला चीज क्यू हो जाता है तो बोलते सर यह जम्शन का मतलब क्या है यह जम्पन का मतलब है दैट लीड टाइम लीड टाइम इज जीरो लीड टाइम इज जीरो का मतलब क्या होता है लीड टाइम का मतलब क्या होता है इट इज द टाइम बिटवीन यू ऑर्डरिंग द गुड्स एंड यू गेटिंग द गुड्स एग्जाम्पल एमेजॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर कभी कुछ ऑर्डर करते हो तो वहां पे लिखा होता है ना डिलीवरी विल हैपन इन टू टू थ्री डेज ऐसा थोड़ी होता है तूने जैसे ही बाय नाउ बाय नाउ किया ऑर्डर प्लेस किया बाहर घंटी बज गई कभी ऐसा होता है ऐसा तो नहीं होता तो यहां पर ना जरा सोचो मैंने ये वाला अजम्पशन मार लिया कि जैसे ही ये वाला चीज जीरो होता है ये वाला चीज क्यू हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से सुनना जरा प्लीज मैंने क्यू यूनिट्स ऑर्डर किया इधर

उस बंदे ने जब ये वाला अजमशन वो मारा ना लीड टाइम जीरो ओके उस बंदे को बोध गाली पड़ी सब लोगों ने बोला लीड टाइम कभी जीरो थोड़ी होता है उसने बोला अक्ल रखो सब लोगों ने बोला अक्कल क्या रखें तो तू अक्ल ओके बोलता नहीं तुम लोग अक्ल रखो जरा ध्यान से सुनो एक चीज मैं तुमको बोल देता हूं जैसे ये जीरो होगा ये क्यों होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तुम्हारा एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ही नहीं बनेगा बता सर क्यों नहीं बनेगा जरा सोचो ना मैंने क्यू यूनिट्स ऑर्डर किया ठीक है स्टॉक जीरो हो गया ठीक है जैसे स्टॉक जीरो हुआ सप्लायर को बोला सप्लायर और क्यू यूनिट भेजना बोलता तीन दिन के बाद आएगा तो जरा सोचो तीन दिन तक तुम्हारा स्टॉक कितना हो जाएगा जीरो उसके बाद अगेन यू विल ऑर्डर क्यू यूनिट्स अगेन विल बिकम जीरो अगेन उसके बाद तीन दिन तक योर स्टॉक विल बिकम जीरो अब तुमको समझ में आएगा

अगर तुमको मालूम है कि सप्लायर विल टेक थ्री डेज टू डिलीवर योर स्टॉक तुम लोग कुछ बोलो ना अभी मेरे को तो बिफोर द स्टॉक बिकम जीरो तीन दिन पहले यू शुड प्लेस ऑर्डर करेक्ट नो अगर ऐसा करेगा तो तीन दिन पहले मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया तीन दिन तक ऑर्डर अभी तक डिलीवर वो नहीं हुआ तीन दिन खत्म हो गए तब तक जो अपने पास स्टॉक था वो खत्म हो जाएगा लेकिन आगे बोलो जो नया वाला स्टॉक है वो अभी तो जाएगा ना फिर ओके थैंक यू तो इस बंदे को मजबूरी हो गई वो बोलते हैं से ना लीड टाइम इज जीरो आई डोंट एक्चुअली मीन लीड टाइम इज जीरो ही टोल्ड यू हैव टू एंश्योर कि जैसे ही ये वाली चीज जीरो हो जाए आगे तुम लोग बोलो नेक्स्ट नेक्स्ट मोमेंट ओनली यू शुड न्यू स्टॉक बोलता आप लोग वैसे अपना सिस्टम सेट करो ताकि ये वाली चीज हो जाए ठीक है बस इस चीज के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन इज ओवर ओके अच्छा यह तेरा तीसरा और आखिरी कॉस्ट था टीसीआई बस और कोई कॉस्ट नहीं बचा लेकिन जब मैं ये वाला कॉस्ट एक्सप्लेन करता हूं ना एक बहुत बड़ा पंगा पड़ जाता है और वो क्या पंगा पड़ जाता है एक सेकंड मेरी अजमशन जरा देखना इज कॉन्स्टेंट एंड नोट टू यू इन एडवांस सीपीयू इज कॉन्स्टेंट एंड नोन टू यू इन एडवांस सी एज कॉन्स्टेंट एंड नोन टू यू इन एडवांस आई गिव्यू वन लास्ट आई इज कॉन्स्टेंट एंड नोन टू यू इन एडवांस उनको समझ में आएगा आई आए तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका इन चीजों के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है अब जरा सोच अगर सीपीयू कॉन्स्टेंट है अगर आई कॉन्स्टेंट है तो सी आई बी तो कॉन्स्टेंट ही होगा C.I. सी पी यू इंटू आई तो सी आई भी तो कॉन्स्टेंट ये तेरा T.C.I. का खर्चा है टीसीआई क्यू बाई टू इंटू सी आई करेक्ट नो रिया, दैट डाउट ऑफ योर्स आई विल रिजॉल्व आफ्टर टू लेक्चर्स ठीक है सो एट दैट टाइम वी विल ट्राई टू टॉक ऑफ इट सुनो अभी ये जो टी सी आई है Uh, Q बाई टू इंटू सी आई जरा सोचो टू तो एक नंबर है बेटा उसके बाद CI जो है वो तो कॉन्स्टेंट हो गया क्योंकि CPU कॉन्स्टेंट हो गया और I कॉन्स्टेंट हो गया अब जरा सोच विच इज द ओनली नंबर फॉर विच वी आर मीटिंग टूडे हम लोग आज कौन से नंबर के लिए मिले Q. अब जरा सोचो माई एम इज टू ऑर्डर दैट क्वांटिटी माई एम इज टू ऑर्डर दैट क्वांटिटी जिससे मेरा टोटल कॉस्ट सबसे कम हो जाए ठीक है मेरा टोटल कॉस्ट सबसे कम हो जाए टोटल कॉस्ट बोले तो टीसीआई मेरा टीसीआई सबसे कम हो जाए क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर एक टीसीआई भी तो है अब जरा सोच मेरे को टीसीआई वाली कॉस्ट कम करने की है तो मेरे को बोलो मैं क्यू की वैल्यू बढ़ाऊं के कम करूं मेरे को कम ही करना पड़ेगा और एक चीज अगर तुमको मैं मैथ्स के तौर पर भी बोलूं तो भी तुम लोग को समझ में आएगा ओके एंड दैट इज दिस पर्टिक्युलर केस क्यू इज सिटिंग इन द न्यूमरेटर नो अगर न्यूमरेटर कम होगा तो ही तो टीसीआई तुम्हारा कम होगा यारो देर केस यहां पर अगर आपको टीसीआई वाली कॉस्ट कम करने का है क्यू का वैल्यू शुड बी एज लेस एज पॉसिबल तो एक मिनट लेट मी ब्रिंग यू टू द ऑरिजिन ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन मेरे एग्जाम्पल के अंदर ए का वैल्यू कितना था दस हजार ठीक है तुमको टीसीआई सबसे कम करने का है तुमको टीसीआई सबसे कम करने का है, टीसीआई 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 अगर सबसे कम करने का है तो सब लोग मेरे को बोला क्यू का वैल्यू टिपिकली कितना होना चाहिए वन यूनिट होनी नो ओके okay. सर एक बारी में एक ही यूनिट खरीदते रहो okay, सर ओके वही सबसे अच्छी बात है यू ट्राई टू बी परचेजिंग वन यूनिट एट वन पर्टिकुलर टाइम ओके अगर मैं एक बारी में एक ही यूनिट खरीदेगा इन दैट पर्टिकुलर केस टीसीआई सबसे कम हो ही जाएगा ठीक है अभी मैं तुम लोग को फाइव मिनट्स का ब्रेक देगा ठीक है लेकिन वो ब्रेक मैं तुम लोग को तभी देगा वेन यू आंसर मी वन थे मैंने तुम लोग को तीन कॉस्ट सिखा डाले ठीक है टोटल परचेज कॉस्ट जो इरेलीवेंट है टीसीए वाला कॉस्ट टीसीए वाला कॉस्ट भाई तभी कम होएगा जब मेरे को बोलो टीसीए वाला कॉस्ट तब कम होगा जब ही Q का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा उसके बाद टीसीआई भी तो सिखाया अभी टीसीए को क्यू की वैल्यू के के थ्रू फर्क पड़ता है इसलिए तुम लोगों ने बोला क्यू का वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए तो टीसीआई को भी तो फर्क पड़ता है ना यार ओके तुम लोगों ने बोला सर अगर टीसीआई वाली कॉस्ट कम करने का है तो आगे कुछ बोलो क्यू का वैल्यू शुड बी एज लो एज पॉसिबल अब तुम लोग मेरे को जरा एक चीज बोलो वाई द हेल्प आई एम टीचिंग यू दिस एंटायर थियरी मैंने अभी अभी उसका आंसर भी दिया है मेरे को बोलो मैं तुमको यह वाला थ्योरी क्यों सिखा रहा हूं तुम्हारे सिलेबस के ना ये वाला थियरी क्यों है बिकॉज दिस इज दंसर फॉर इट सर हम लोग एक बारी में ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी नहीं ऑर्डर कर सकते अगर ऐसा किया तो आगे बोलो आगे बोलो टीसी जो है वो तो कम हो जाएगा लेकिन बोलो ना आगे TCI आई बढ़, बढ़ जाएगा तो बोलते हैं सर मारो गोली उसको आप ना क्यू की वैल्यू बहुत कम रखो अगर मैंने क्यू की वैल्यू बहुत कम रखी सपोज वन यूनिट ओके तो तुमको समझ में आएगा टीसी ए विल गो ओवर द टॉप ओनली अगर तू एक बारे में एक ही यूनिट ऑर्डर करेगा ओके नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हैव टू ऑर्डर विल बिकम वे टू मच करेक्ट नो तो ऑबियसली वन क्वेश्चन सर सर करें क्या sir? ये वाला पंगा ना बहुत लोगों को आता था अभी जो भी परचेज मैनेजर्स होते थे ना पूरी कंपनी के उन लोगों को ये वाला जो चीज है ना बहुत वो सताता रहता था कि यार कितना रॉ मटीरियल खरीदू अगर ज्यादा खरीदता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाता है कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है अगर एक बारी में कम कम खरीदता हूं कैरिंग कॉस्ट कम हो जाता है साला ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है तो करूं क्या And that is why somebody had to resolve this entire question. And this question obviously is the same question how much to buy at one time. And that is why this entire theory is there because in this case, there is as such no average. Okay. Ria, I told you I'll answer that question after a few days beta. That is part of our syllabus. I'll answer that. Okay. So, no. Now, so that is what we are going to be doing as such. Okay. That

लास्ट थिंग दैट यू ऑल हेट रिटर्न वॉस टी उसके बाद ना तुम लोग तीन लाइन तुम लोग चार लाइन छोड़ो और उसके बाद ये अजम्पन्स का लिस्ट पहले कंप्लीट कर दो यू ऑल राइट डाउन सो लीव फोर लाइन्स उसके बाद इन दिस केस ये तीन अजम्पन्स लिखो बोलो हाँ बेटा तो बट वी हैव रिटन टू थिंग्स नो है सीआई के बारे में वी ऑल माइट नॉट मेंशन आल्सो नो वो ही हो जाएगा ना वो इंप्लाइड ही है वो वो तो मैंने बोला भी था सुनो ए सीपी यू सी एन आई आर कॉन्स्टेंट एंड नोन इन एडवांस रॉ मटीरियल इज कंज्यूम्ड इवन दी लीड टाइम इज़ जीरो चलो सुना मेरे बार देखो अभी जो बंदा था ना ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट सम आंसर टू ऑल सच क्वेश्चन उस बंदे ने क्या किया कुछ ऐसा समथिंग लाइक दिस ध्यान से सुनना सपोज उस बंदे ने ए दस हजार यूनिट लिया ठीक है उस बंदे ने सी ए कुछ ना कुछ लिया सी आई कुछ ना कुछ लिया ठीक <coughs> अभी अगर ए दस हजार था तो क्यू के लिए दस हजार ऑप्शन भी तो थे उसके पास ही वॉन्टेड टू स्टडी नेचर ऑफ टी सी एंड टी सी आई कॉस्ट ही वॉन्टेड टू स्टडी दैट नेचर ओके यार टीसी कॉस्ट कैसे बिहेव करता है टी सी आई कॉस्ट कैसे बिहेव करता है तो उसने क्या किया पहले ना ही थॉट ही विल स्टडी नेचर ऑफ टी सी ए कॉस्ट नाउ इन दिस केस ना यहां पर आया क्यू ठीक है यहां पे आया Q उसने यहां पे Q लिया उसने यहां पर TCA लिया ठीक है TCA लिया उसने A का वैल्यू दस हजार लिया था उसने सी ए का वैल्यू कुछ ना कुछ लिया था दैट आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू ऑल इवन सी आई नॉट मच इंटरेस्टेड लेकिन कुछ ना कुछ उसने वैल्यू लिया था ठीक है यहां पे आ गया इन दिस केस एक तरफ टीसीए कॉस्ट और एक तरफ क्यू ऑब्वियसली क्यू के लिए दस हजार ऑप्शन है मेरे को जरा बोलो अगर क्यू का वैल्यू वन होगा ठीक है पहले मेरे को बोलो कि टीसीए का फॉर्मूला क्या होता है ए बाई क्यू इन सी ए उसके पास ए तो था दस हजार क्यू अगर उसने वन लिया तो ठीक है क्यू अगर उसका वैल्यू वन लिया तो सी ए कुछ ना कुछ था मेरे को बोलो जो टीसीए का आंसर आएगा वो हाइएस्ट आएगा कि लोएस्ट आएगा आएगा हाँ जितना भी टीसीए का आंसर आया ना उस बंदे ने उसको इधर प्लॉट कर दिया ठीक है तो एक पॉइंट उसको मिल गया फिर उसने सोचा सर मैं क्यू का वैल्यू अभी टू लूंगा तुमको समझेगा अगर उसने क्यू का क्वांटिटी डबल कर दिया ठीक है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बिकम हाफ नो तो अगर उसने क्यू का वैल्यू टू लिया तो टीसीए हाफ हो जाएगा उसने फिर थ्री लिया फोर लिया बंदे के पास बहुत टाइम था कुछ करने के लिए नहीं था ओके ऐसा ना वो दस हजार पॉइंट तक टीसी ए का जो है निकालता रहा निकालता रहा निकालता रहा करता रहा करता रहा करता रहा उसके पास दस हजार पॉइंट आगे उसने ज्वाइन किया ठीक है उसने ज्वाइन किया ग्राफ उसको ऐसा मिला ठीक है आज आज के लेक्चर के बाद तुम लोग क्या कर रहे हो मैं वैसे ही पूछ रहा हूं आज के लेक्चर के बाद तुम लोग क्या करने वाले हो कुछ नहीं तुमको कुछ काम धंधा तो है नहीं तो क्या करना एक्सेल के ऊपर ऐसा कुछ लेना कुछ भी ए का वैल्यू ले, ले लो कुछ भी सीए का वैल्यू ले लो कुछ भी सीआई का वैल्यू ले लो ठीक है और एक्सेल के ना ग्राफ तो बनता ही है ग्राफ बनाने का ट्राई करना एक्सेल के ना फटाक से वो बनी जाएगा क्योंकि तुम्हारे तो पास उतना टाइम नहीं है जितना शायद इस बंदे के पास था ठीक है तो ग्राफ बना लेना ग्राफ का शेप एग्जैक्टली ऐसे आएगा इस ग्राफ से उसको एक चीज समझ में आ गया कि अगर टीसीए वाला कॉस्ट कम करने का है तो आगे बोलो क्यू का वैल्यू शुड बी एज ठीक है? वो उसको ग्राफ से पता चला अपने को तो वैसे ही पता था ठीक है फिर उसने सोचा लेट स्टडी टीसीआई फिर इन दिस पर्टिकुलर केस टीसीआई क्यू आया, आया. मेरे को बोलो टीसीआई का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या लिखा था क्यू बाई टू इन टू सी आई ठीक है वो फिर से चालू हो गया बंदा उसने क्यू का वैल्यू लिया वन मेरे को बोलो अगर Q का वैल्यू वन लेगा CI तो उसके पास था टू तो एक नंबर है तो TCI का आंसर कुछ ना कुछ तो आ जाएगा मेरे को बोलो विल दिस बी लीस्ट कॉस्ट और द मैक्सिमम कॉस्ट लीज तो जो भी आंसर आया ना उसने इधर प्लॉट कर दिया फिर उसने लिया टू फिर लिया थ्री फिर लिया फोर ऐसे दस हजार पॉइंट उसने और लिया और दस हजार कॉस्ट उसने और निकाले जब भी उसको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन था ठीक है आज के लेक्चर के बाद तुम्हारा सेकंड काम एक्सेल लेना कुछ भी नंबर्स लेना तुम्हारा ग्राफ ऐसे आएगा मेरे को मालूम है एक भी बंदा यह वाला काम नहीं करने वाला बिकॉज यू ऑल ट्रस्ट मी और बिकॉज ऑल आर टू डैम लेजी ओके लेकिन जैसे ये दोनों ग्राफ बने ना बंदे को समझ में आ चुका था कि यार ऐसा कोई भी वैल्यू ऑफ क्यू हो ही नहीं सकता जिससे टीसी ए भी कम हो जाएगा आई भी कम हो जाएगा क्योंकि अगर टीसी ए कम करने का है क्यू का वैल्यू शुड बी एज हाई एस हाँ पॉसिबल लेकिन अगर क्यू का वैल्यू हाई लिखा तो आई बढ़ जाएगा तो बोलते सर उल्टा करो ना तो क्यू का वैल्यू बहुत कम रखता हूं तो यह वाला कॉस्ट कम हो जाएगा लेकिन बोलो आगे टीसी ए जो है वो तो बहुत ज्यादा वो बढ़ जाएगा फिर उसके बाद उस बंदे को कुछ स्ट्राइक हुआ वो बोलता उसने ऐसा सोचा TCA और टी दोनों मिनिमाइज तो हो नहीं सकते अगर एक मिनिमाइज होगा तो एक मैक्सिमाइज ही होगा तो फिर क्या करें क्या करें क्या करें वो सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा पांच मिनट का ब्रेक लो तुम लोग भी सोचो देखो तुम्हारे दिमाग में आता है कि नहीं मेरे को अभी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछना पांच मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे पांच मिनट के बाद चलो ठीक है सम पीपल हैव गिवन मी देयर आंसर्स ओके सो सुनो एक सेकेंड ना अभी <coughs> तुम्हारी बुक के अंदर ना दीस टू चार्ट्स आई हैव मेड आल्सो ठीक है टीसी वाला चार्ट और टी सी ए वाला चार्ट इज मेड ओनली फॉर यू ठीक है फिर ना इसके बाद एक बंदे को एक थॉट आया ठीक है अभी वो थॉट तुमको लास्ट पांच मिनट के अंदर आया कि नहीं और कैसे आया दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू गो इन टू द डिटेल्स बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माइ व्यू ओके सुनो बराबर से सुनना मैं क्या बोलने वाला है सुनो अभी हाउ डज दैट थॉट कम उसका एक एग्जाम्पल देता हूं सपोज कोई ना एक न्यू मूवी रिलीज होने वाली है ठीक अभी ये न्यू मूवी तुम्हारे सिटी के अंदर सिर्फ दो ही थिएटर्स के अंदर लगेगा ठीक है सिर्फ दो ही थिएटर्स के अंदर लगेगा वन इज वेरी नियर टू यू एंड वन इज वेरी फार अवे फ्रॉम योर हाउस ठीक है तुम लोग सोच रहा था कि कौन से थिएटर में जाऊं मूवी देखने के लिए फर्स्ट थिएटर सेकेंड थिएटर लेकिन तू नवाब बैठा है तू ना टैक्सी से ही जाता है तो हर एक जगह से यह वाला थिएटर तेरे घर की बाजू वाली वो बिल्डिंग में है लेकिन तू टैक्सी से ही जाएगा ठीक है ओला के ऊपर देखा फिफ्टी रुपीस, ठीक है ये वाला जो है ये दूर था छह सौ रुपए तो भाड़ा टैक्सी का मूवी देखेगा तो ऑब्वियसली मूवी का एक टिकट का वो पैसा लगेगा प्लस तो भूखा थोड़ी रहेगा पॉपकॉर्न सा मोर एक्सपेंसिव मूवी दैट नो जो तेरा पास वाला जो थिएटर है ना ओके okay, वहां पर टिकट इज वेरी एक्सपेंसिव वो आठ सौ रुपए का टिकट है उधर जो है ना वो डेढ़ सौ रुपए का टिकट है ठीक है आई होप यू ऑल मेरे को बोलो तेरे को एक मिनट

नियर वाले के अंदर के फार वाले के अंदर फार वाले शायद तुम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा सर और शायद तुम लोगों को मेरा एग्जाम्पल अभी समझ में आया रहेगा दीज कॉस्ट आर लाइक टीसीए एंड टीसीआई कॉस्ट होनी अगर तू एक कॉस्ट बचाने के लिए जाएगा आगे बोलो दूसरा कॉस्ट बढ़ेगा बोलते सर मैं मूवी वाला कॉस्ट कम करूं सर तो तेरा टैक्सी का कॉस्ट बच जाएगा तो तेरा टैक्सी का जो कॉस्ट है तो वो बढ़ जाएगा अगर तू टैक्सी का कॉस्ट बचाने के लिए जाए तो मूवी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली व्हाट यू ऑल विल डू सर आई विल टोटल इट अपनो सर तो और क्या इट इज एज सिंपल एज दर इधर साढ़े आठ सौ का खर्चा इधर साढ़े सात सौ का खर्चा सर मे को मूवी इधर ही देखने का है सर तो चलो ठीक है सेम थिंग इस बंदे को स्ट्राइक तो हो गया था कि ना टीसीए और टीसीआई इकट्ठा मिनिमाइज तो नहीं हो सकता तो इस बंदे ने फिर क्या सोचा अगर टीसीए और टीसीआई इकट्ठा मिनिमाइज नहीं हो सकता ना तो एक सिंपल काम करते हैं दोनों को टोटल करके बेटा ये भी पैसा ही है जब टी सी ए का खर्चा होता है तो भी मेरे को दुख होता है टीसीआई का खर्चा होता है तो भी मेरे को दुखी होता है दोनों के अंदर तो पैसा ही जा रहा है इसको मिनिमाइज नहीं कर सकता इसको मिनिमाइज नहीं कर सकता एक सिंपल काम करता है दोनों को टोटल करके मिनिमाइज करने का ट्राई करता है म द लास्ट सिंबल टी वॉट इज टी इट इज टी सी ए प्लस टीसीआई दिस इज योर लास्ट सिंबल तुम लोगों ने चार लाइन छोड़ा था टीसीआई के नीचे उधर आओ तुम लोग यहां पर और तुम लोग अभी जरा लिखो टी इज इक्वल टू उसको कई लोगों ने एक स्पेशल नाम भी दिया टोटल इन्वेंट्री असोसिएटेड कॉस्ट लेकिन आगे लिखना एक्सक्लूडिंग परचेस कॉस्ट इसके अंदर परचेस कॉस्ट इंक्लूड नहीं है बेटा इसके अंदर सिर्फ कौन सी दो कॉस्ट इंक्लूडेड है टीसीए और टीसीआई टीसीए ए बाई क्यू इंटू सी टीसीआई क्यू बाई टू इन सी आई इतना लिखो सुनो जैसे ये वाली चीज बंदे को स्ट्राइक हुई ना यार उसने बोला टीसी और टीसीआई को मारो गो गोली दोनों को ना टोटल कर देते हैं ठीक है इन दिस पर्टिकुलर केस उसने ना दोनों का टोटल का एक ग्राफ बनाया ठीक है उसने दोनों का टोटल का एक ग्राफ बनाया ना, बराबर से सुनना उसने यहां पर क्यू लिखा सब लोग मेरे को बोलो अभी वो यहां पर क्या प्लॉट करेगा मेरे को सिंबल बोलो टी प्लॉट करेगा ठीक है अभी उसको टीसी और टीसीआई के अंदर ही नहीं रहा बोलता है मेरे को क्या करने का है ओके मैं टी को मिनिमाइज करता हूं उसने अपना यही वाला एग्जाम्पल लिया जो मैं पहले दे रहा था तुम लोग को ए इतना सी ए इतना सी आई इतना और क्यू के लिए तो दस हजार ऑप्शन था तो उसने वो फिर से चालू हो ही गया ए दस हजार था सी ए कुछ ना कुछ लिया था सी आई कुछ ना कुछ लिया था और उसके बाद वो यहां पे टी का फॉर्मूला लिखा टी का फॉर्मूला क्या होता है अभी अभी तो लिखा ए बाई क्यू इन सी ए प्लस इन दिस केस क्यू बाई टू इंटू सी आई उसने क्या किया क्यू का वैल्यू सबसे पहले वन लिया ठीक है सीए तो था सी आई तो था ए तो था उसने टी का आंसर निकाला जो भी टी का आंसर आया ना क्यू लिया वन और जो भी टी का आंसर आया उसने उधर प्लॉट कर दिया फिर उसने क्यू लिया टू फिर उसने क्यू लिया थ्री क्यों लिया फोर क्यों लिया फाइव ओके ऐसा वो करता गया दस हजार पॉइंट तक उसको फिर से दस हजार पॉइंट मिल गए उसने वो वाले दस हजार पॉइंट जो थे उसने ज्वाइन किए ठीक है जैसे उसने ज्वाइन किए शेप ऑफ द ग्राफ वॉज लाइक दिस आज तुम लोग लेक्चर के बाद क्या कर रहे हो ये तीसरा वाला ग्राफ एक्सेल के ऊपर बनाने का ट्राई करना शेप बिल्कुल ऐसे ही आएगा ओके आई कैन सेंड यू सेंड यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो काइंड ऑफ ग्राफ्स ओके बट आई आई डोंट वॉन्ट टू बी डूइंग दैट बिकॉज आई यू ऑल टू लर्न एक्सेल की लर्न लाइक यू नो एक्सेल के नर डायरेक्टली ग्राफ्स वगैरह वो कैसे बनते गए तो ट्राई करना एग्जैक्टली exactly शेप ऐसे ही आएगा ओके okay. जैसे ये वाला चीज हुआ ना जैसे ये वाला चीज हुआ बंदे को समझ में आ गया मेरा काम खत्म हो गया क्यों वो बोलता कि सर Q का वैल्यू बदलता है ना तो T का वैल्यू बदलता रहता है लेकिन एक जगह पर एक जगह पर Q का वैल्यू सॉरी 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 लेकिन एक जगह पर T का वैल्यू सबसे कम हो जाता है किधर? इधर सबसे कम हो जाता है उसने ये वाली चीज इधर प्लॉट की बोलता अगर आप ये वैल्यू ऑफ क्यू सिलेक्ट करोगे ना कैन यू ऑल स्पीक वन लाइन फॉर मी तो टी का वैल्यू सबसे कम होगा दिस विल बी मिनिमम टी जैसे ये वाला काम हुआ उसने एक बुक लिखना स्टार्ट किया दैट वॉज टाइटल्ड एज हाउ मच टू ऑर्डर इन दैट बुक फॉर द फर्स्ट टाइम ही गेव दिस वर्ल्ड अ न्यू टर्म ही टोल्ड दिस इज द बेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू and this value of q from now onwards world will call as eoq economic order quantity this theory was made by a guy called as wilson okay he was accompanied by a guy called as ford and these guys are credited for this entire theory in his first book which he titled as how much to order dash theory of eoq it still remains one of the most popular theories that is there in costing ever okay

लेकिन अभी क्या है ना कि तुम लोग एग्जाम्स के अंदर ओके ऐसा ग्राफ तो नहीं बना सकते ओके दस हजार पॉइंट तुमको एक क्वेश्चन के लिए तो दो साल जाएंगे ओके तो ये बंदे ने अपना रिसर्च कंटिन्यू रखा ओके और ये वाला रिसर्च उसने कंटिन्यू किया कंटिन्यू किया इन कंटिन्यू किया एंड अभी इसके बाद ध्यान से सुनना ही नेवर एवर वॉन्टेड कि लोग इतना ग्राफ बनाकर आंसर निकाले उनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अभी मैथमेटिशियन ओके okay? उसने कुछ ऐसा बोला बोलता सिर्फ इसी पॉइंट पर ना सिर्फ इसी पॉइंट पे और ऐसा किधर भी नहीं होएगा, सिर्फ इसी पॉइंट पे तुम्हारा दो कॉस सेम हो जाएगा विच टू कॉस TCA एंड TCI. अभी ऐसा इसी पॉइंट पे क्यों होता है तुम लोगों ने मैथ्स के अंदर ये वाला चीज ऑनेस्टली किया है कि वो नहीं किया हुआ आई एम नॉट अवेयर लेकिन आईसीए डॉट नो दिस थिंग एंड नीदर आई एम वन बी डूइंग दैट बिकॉज दैट विल रिक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा बोला समी माइंड आस की क्या बोला बट दैट इज ऑल ओके तो आईसीए को भी ये वाला चीज वो नहीं आता है सो टेक वन थिंग फ्रॉम मी डायरेक्टली एंड देन वी स्टार्ट सिर्फ इसी पॉइंट पे ना सिर्फ इसी पॉइंट पर और ऐसा किधर भी नहीं होता सिर्फ इसी पॉइंट पे तुम्हारा दो कॉस्ट सेम हो जाता है मेरे को बोलो कौन सा दो कॉस्ट टीसीए एंड TCI. टी We use this as a conclusion from his entire theory to derive the formula of EOQ. EOQ पर दो कॉस्ट सेम हो जाता है और वही वाली चीज मैं यहां पे ग्राफ के अंदर दिखाने का ट्राई किया ये तुम्हारा टीसी सॉरी टीसी वाला कॉस्ट ये तुम्हारा टी सी आई वाला कॉस्ट ओके okay? यहां पर दोनों सेम हो जाता है यहां पर दोनों सेम होता है ना और यहीं पर तुम्हारा ये वाला कॉस्ट सबसे कम होता है अगर मैं कभी स्केल लूंगा ना तुम्हारा ये वाला जो लाइन है एक मिनट मैं कोई कलर के अंदर अगर दिखाने का ट्राई करूं इट विल बी स्लाइटली बेटर तुम्हारा ये वाला जो ब्लैक लाइन है ऑलवेज बी इक्वल टू इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर ये वाला ब्लू लाइन ओके ऐसा एक ही जगह पर होगा और वो किधर होने वाला है ईओ क्यू पर ओके आईसीएआई डज नॉट आईसीए यू टू गो इन टू द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी इसलिए वो लोग एक लाइन डायरेक्टली डाल देते हैं ओनली एट ईओ क्यू टू कॉस्ट विल बी सेम एंड विच टू कॉस्ट मेरे को लास्ट टाइम बोल दो टी एंड टी वी यूज दिस एज अ कंक्लूजन फ्रॉम हिज एंटायर वर्क टू ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला फर्दर ठीक है तो अभी तुम लोग आगे अजम्पन्स के बाद जरा लिखो ओनली एट ईओ क्यू प्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिखना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी TCA and TCI will be seen and that will give least value, last name, least value of T. तो लिखो नेक्स्ट साइन पे लिखना ऐसा बड़ा बड़ा लिख सकते हो तो अच्छा रहेगा ओनली एट ईओ क्यू टीसीए इज इक्वल टू अच्छा तो T.C.A. के बदले में T.C.A. का फॉर्मूला डालते हैं ए बाई क्यू इंटू सी ए के बदले में T.C.I. का फॉर्मूला डालते हैं क्यू बाई टू इंटू सी आई मेरे को जरा बोलो आज हम लोग मिले टू फाइंड आउट विच वैल्यू क्यू तो मेरे को क्यू को एक जगह पर धक्का वो मारना पड़ेगा ये क्यू को इधर लेके जाता हूं तो उसको क्यू स्क्वायर कर देगा बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ धके लो तो ये टू को इधर डाल बेटा टू ए सी ए डिवाइडेड बाई सी आई तो Q इज इक्वल टू स्क्वे रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई अच्छा कई लोग जो मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा होता है ना वो लोग ज्ञान देने का ट्राई करते हैं सर प्लस माइनस भी तो डालो ना सर ओके अपने को बहुत मजा आती थी एक मिनट आ ये क्वांटिटी है बेटा ठीक है तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में वो आई गया मेरे को आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है अगर तुम लोग कभी Q की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालोगे ना तो TCA एंड TCI विल बिकम सेम और ये सेम एक ही जगह पर होते हैं और वो किधर होते हैं EOQ पे देयर फोर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस विल बिकम योर फॉर्मूला ऑफ EOQ तो यहां पे लिखो देयर फोर ईओ क्यू इज इक्वल टू स्क्वेर रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई इसको चाहो तो डब्बे के अंदर डाल दो अभी दिस वर्क नो इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल वर्क यू ऑल गेट इन योर एंटायर सब्जेक्ट ओके तुमको कॉस्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर ना कोई ऑथर्स का नाम नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दिस एंटायर थियरी ओके और इसी को कॉपी करके एक और बंदे ने एक और थियरी भी बना डाला दैट आई ट्राई टू टेक यू ओके दैट गाय वॉज लाइक अनु मलिक ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री बस वो फॉर्मूला ही कॉपी करता रहता था तो यो क्यू सुनो अभी खुद ब खुद जरा सोचो फॉर अ कंपनी नो सच काइंड ऑफ थिंग्स बिकम सो इजी आपको बस एक फॉर्मूला अप्लाई करने का है एंड यू डायरेक्टली कम टू नो यार हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम इट्स सच अ रिलीफ फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज यार सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो एंड देन लाइक एक मिनट अपॉन सी आई था शायद ये आई जो है वो रब हो गया ओके okay? तो इन दिस केस इट इज सच अ रिलीफ इट इज सच अग रिलीफ फॉर सच काइंड ऑफ कंपनीज बस एक फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आ जाता है अभी ध्यान से सुनना इसके बाद मैं एक तुमको क्या बोलता हूं देखो ऑल दो स्टिल दिस स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क बट स्टिल एक चीज जरा याद रखना बिजनेस के अंदर ना कोई कंपल्शन नहीं होता दैट यू हैव टू बी अपलाइंग दिस फॉर्मूला ऑलवेज टू फाइंड आउट हाउ मच टू ऑर्डर ओके इट इज नॉट इट इज नॉट सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू फॉलो एंड समबडी कैन ऑलवेज बी ये क्या फालतू थियरी है सर क्योंकि सर दिस थियरी इज मेड अंडर ऑल सच चुपेड अजम्पन सर विच माइट नॉट बी ट्रू इन रियल लाइफ सर ये अजम्पन्स वगैरह ये जो भी थे ओके सर ये क्या फालतू सर लीड टाइम इज जीरो रॉ एजम्पन हैटेरियल भी कंज्यूम्ड इवनली ओके किन्नी मंथ्स के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है किन्नी के अंदर कम हो सकता है तो सर कंजन इवन कैसे होएगा? सर हम लोग रोज सेम रोटी सेम नंबर ऑफ रोटीज़ वो थोड़ी खाते हैं कभी कभी तो ज्यादा खाते हैं कभी कभी कम खाते हैं मटेरियल के अंदर भी तो ऐसा होता ही है समटाइम्स मटेरियल इज मोर मतलब समटाइम्स प्रोडक्शन इज मोर सो कंजम्पशन इज मोर तो नॉट एवरीबडी फॉलो सच काइंड ऑफ थीरी ये मैं तुम लोग को क्यों बोल रहा हूं कि ना ये चीज का अजम्पन लेकर क्वेश्चन मत सॉल्व करो कि आपको और हर एक कंपनी को ईओ क्यू के हिसाब से ही ऑर्डर करने का है हां अगर क्वेश्चन ने सजेशन मांगा सजेशन दे दो कंपनी को ऐसा करना तो चाहिए लेकिन नहीं करती तो कंपनी का मर्जी एग्जाम्पल के तौर पे ओके okay, अगर मैं मैं सपोज मेरा भी एग्जाम्पल दूं अभी ये जो तुम्हारे पास बुक है हम लोग इसका मैं अभी अभी ऑर्डर दिया टू थाउजेंड बुक्स का ठीक है अभी कोई बोलता है सर टू थाउजेंड बुक्स ऐसे आपने कैसे कंप्यूट किया मैंने कंप्यूट नहीं किया बस मेरी मर्जी थी मैंने करवा लिया ओके नाउ जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम एग्जांपल ताकि यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ द रियलिटी वर्क्स ओके एग्जांपल सपोज लाइक यू नो फ्रॉम नॉ ऑन वर्ड्स कोई और एग्जाम्पल चलो देता हूं फ्रॉम नॉ ऑन वर्ड वी स्टार्ट टू गिव यू नोटबुक्स ऑल्सो टू राइट ओके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं प्लीज ओके okay. ऐसा कुछ होने नहीं वाला तो मेरे को ऐसा लगा बेस्ड अपॉन दी नो मेरे को साल का टेन थाउजेंड नोटबुक्स का जरूरत है ठीक है टेन थाउजेंड नोटबुक्स का जरूरत है तो वो ए हो जाएगा मैंने सी ए कुछ ना कुछ लिया सी आई कुछ ना कुछ लिया फिर मैंने ना विल्सन जी का फॉर्मूला अप्लाई किया ईओ क्यू का तो ईओ क्यू आ गया हजार नोटबुक्स ठीक है मतलब मेरे को एक बारी में हजार नोटबुक्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ठीक है मैंने ऐसा सोचा यार एक बारी में अगर हजार नोटबुक्स को ऑर्डर प्लेस करेगा का ना सप्लायर विल कम टू माई क्लासेस टू डिलीवर द नोटबुक्स कितना टाइम्स इन द ईयर मेरे को बोलो टेन टाइम्स ही सच्चा रास्कल नो आई डोंट टू सी हिम वंस ऑल्सो मैं उसको देखता हूं मेरा लेक्चर खराब हो जाता है ओके सो ऑल दो माई इज थाउजेंड ओके आई थॉट आई विल ऑर्डर ऑल द टेन थाउजेंड नोटबुक्स एट वन टाइम ओनली ओके तुमको इतना समझ में आएगा इफ आई विल ऑर्डर ऑल तुमको समझा जो मैंने बोला अगर मैं इस ग्राफ के हिसाब से जाऊं तो मेरा ये EOQ वाला पॉइंट कौन सा है? लेकिन मैं एक बारी में कितना नोटबुक्स करने वाला हूं माई टी दैट पर्टिकुलर केस ओके लेकिन मेरे पास पैसा है तुम्हारा क्या जाता है ओके आई वॉन्ट कन्वीनियंस ओवर एनीथिंग एल्स मेरे को अपना मूड नहीं खराब करने का बस तो वाई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस की ना तुम लोग फोर्स नहीं कर सकते कोई भी कंपनी को यू हैव टू ऑर्डर एज पर दू क्यू तुम्हारा कॉस्ट कम होगा अरे कंपनी का मर्जी यार ओके एडवाइजिंग इज डिफरेंट थिंग फॉलोइंग दैट एडवाइस इज डिफरेंट थिंग ठीक है तो अगर सम एडवाइस मांगे तो दे दो यार ओके कि ऐसा करना चाहिए तुम्हारा पैसा बचेगा लेकिन अगर कंपनी कुछ करता है वैसा देन यू ऑल फॉलो द इंस्ट्रक्शन काम खत्म हो जाता है ठीक है चलिए योर दिस जॉब इज ऑल टूगेदर डन हा बराबर है लेकिन फिर भी ये वाला जो ग्राफ था बेटा ये तो टी का ही ग्राफ था ना ये टी सी ए और टी सी आई का ग्राफ नहीं था ये तो टोटल ग्राफ था ना okay. तो इन एनी केस ये वाला जो कॉस्ट है दिस इज टोटल ऑफ बोथ द थिंग्स उसके ने से एक चीज विल बी वेरी हाई एक चीज विल बी वेरी लो बट इन ऑल टी विल बी स्टिल तो सुपर हाई नो ये तो टी का ही ग्राफ है ना बेटा okay. हाँ सुनो <laughs> ये हो गया तुम्हारा एक काम ठीक है तो वाई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस थिंग ये चीज सोच के आगे कभी मत जाना कि ना कंपनी को फॉलो करना ही करना है ठीक है कंपनी का मर्जी यार फॉलो करने का है तो करो नहीं करने का तो मत करो ठीक है अच्छा अभी ये मेरा एक एग्जाम्पल था टू पुट समथिंग इन योर माइंड नाउ सेम थिंग सेकेंड एग्जाम्पल ठीक है बराबर से सुनना मैं क्या बोलता है देखो मैंने कंपनी चालू किया मैंने मेरे परचेज मैनेजर्स को बोला परचेज मैनेजर्स आर दो पीपल टू ऑर्डर मैंने मेरे परचेज मैनेजर्स को बोला जब भी ऑर्डर करते हो विल्सन का ही थ्योरी यूज करने का जो भी हो जाए विल्सन का ही थ्योरी यूज करने का बोलते सर विल्सन का थियोरी क्या है मैंने जैसे तुमको समझाया मैंने उनको भी समझाया ओके okay. टाइम आया टू परचेज ऑर्डर टू प्लेस ऑर्डर तो हमारी कंपनी का जो ए था ना वन लाख यूनिट्स था ठीक है सीए कुछ ना कुछ था सी आई कुछ ना कुछ था उन लोगों ने ईओ क्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया आंसर आया पांच हजार यूनिट ठीक है जैसी पांच हजार यूनिट का आंसर आया ना मेरे परचेज मैनेजर ने सप्लायर को फोन किया सप्लायर को बोला सुन अभी अभी अनुज सर ने हमारे बॉस ने हमको ईओ क्यू का फॉर्मूला सिखाया है सप्लायर बोलता तो मैं क्या करूं मैनेजर ने बोला तो कुछ मत कर भाई मेरा ईओ क्यू का फॉर्मूला ऐसा बोलता है सप्लायर बोलता तू बोल जो तेरे को चाहिए मेरे को ईओ क्यू वीओ क्यू से क्या करने का है ओके okay. मैंने बोला सुन मेरा ईओ क्यू का फॉर्मूला ऐसा बोलता है दैट आई शुड ऑर्डर फ्रॉम यू एट वन टाइम सो प्लीज सेंड फाइव थाउजेंड यूनिट्स सप्लायर बोलता तो तेरे को पांच हजार यूनिट्स ही चाहिए थे ना पहले बोलता आई विल सेंड मैं फोन रखू परचेज मैनेजर बोलता नहीं 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 सुन 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 देखो मालूम है कि पांच हजार यूनिट अगर तू हमको सप्लाई करेगा एक बारी में तो हमारे साथ क्या होगा सप्लायर ने बोला मेरे को क्या करने का है परचेज मैनेजर ने बोला लेकिन तू फिर भी सुन अगर तूने हमको एक बारी में पांच हजार यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया ना हमारा टी सबसे कम होगा ओके सप्लायर ने फोन रख दिया तो उसको क्या करने का है तुम्हारा कॉस्ट कम हो बड़े उसको तो पांच हजार यूनिट ही भेजने का है ना ठीक है बट थियरी स्टिल मेक सेंस ओके दैट वी शुड ऑर्डर कितना यूनिट्स एट वन टाइम बोलो मेरे को था। इसी का सेकंड थ्योरी मुझसे ये वाला थ्योरी सीख के ओके तुम्हारे पास भी एक बिजनेस था तुम लोगों ने सोचा सर क्या थ्योरी है सॉलिड एकदम सर मैं अपनी कंपनी के अंदर भी अप्लाई करेगा तुम लोगों ने क्या किया तुम लोगों ने अपनी कंपनी का ए लिया तुम्हारा ए वन लैख फिफ्टी थाउजेंड था ठीक है तुम्हारी कंपनी का सीए कुछ ना कुछ था सीआई कुछ ना कुछ था तुम लोगों ने ईओ e. क्यू का फॉर्मुला अप्लाई किया आंसर आ गया 8791.14 यूनिट्स ओके इट इज अ स्क्वायर रूट नो इट इज अ स्क्वायर रूट नो तो एनी आंसर कैन कम नो ओके तो एनी आंसर के वाला आंसर आया तुम लोगों ने अपने सप्लायर को फोन किया तुम लोगों ने सप्लायर को बोला देख मैंने ना इओ क्यू का फॉर्मूला सीखा है सप्लायर बोलता तो वही है जिसने पांच मिनट पहले फोन किया था बोलता नहीं 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 ओके okay. मैं बाजू वाले का सप्लायर बोलता तेरे को क्या चाहिए मुझसे तो तुम लोगों ने बोला मेरा ईओ क्यू का फॉर्मूला ऐसा बोलता है कि यू हैव टू सप्लाई मी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड नाइनटी वन पॉइंट वन फोर यूनिट एट वन टाइम ओके सप्लायर को मजा आना स्टार्ट हो गया सप्लायर ने बोला उससे क्या होएगा? तुम लोगों ने एंथू के अंदर बोला मेरा टी सबसे कम हो जाएगा तू सप्लाई करना यार ओके okay. सप्लायर बोलता तेरे को जूते से मारेगा तुमने पूछा क्यों सप्लायर बोलता देख हाउ द हेल आई विल सप्लाई यू एट थाउजेंड काट के देगा तो बाकी हिस्सा कौन वो लेने वाला है सो द दियरी विल डजन द थी मेक सेंस एट ऑल ओके हाउ कैन आंसर बी इन डेसिमल्स एंड इवन इफ द आंसर इज इन डेसिमल्स हाउ विल यू विस दर्डर फॉर द क्वांटिटी इन डेसिमल्स ओके तो ये वाला चीज जब होना स्टार्ट हुआ ना सब लोगों ने विल्सन को फिर से सॉलिड गाली दी क्या घटिया फॉर्मूला बनाया आंसर तो परफेक्ट कभी आता ही नहीं ओके क्योंकि वो तो स्क्वेयर रूट है तुमको समझ में आएगा ज्यादातर नंबर्स का दुनिया के अंदर स्क्वेयर रूट विल नॉट बी अ फाइनल आंसर नो दुनिया के ज्यादातर नंबर्स का अगर तुम स्क्वेयर रूट मारेगा तो अजीब नंबर ही आएगा यार ओके वो तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वेयर्स का ही आंसर जो होता है तो वो बराबर आता है सब लोगों ने फिर से भर भर के तो विल्सन को गाली दी Wilson ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई उसको मजा आती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने की उसने सब लोगों को बोला तुम लोग मंद बुद्धि हो सब लोगों ने पूछा क्यों बोलता देखो तुम्हारा का आंसर आया यू ऑल्सो नो यू कैनोट प्लेस एन ऑर्डर फॉर दिस मच क्वांटिटी सब लोगों ने बोला येस वी कॉन्ट प्लेस एन ऑर्डर फॉर दिस मच क्वांटिटी बोलता स्टिल इन माई ग्राफ आई हैव गिवन यू द बेस्ट ऑप्शन सब लोगों ने फिर यही वाला ग्राफ देखा और फिर विल्सन ने समझाना स्टार्ट किया आई अंडरस्टैंड दिस इज योर बेस्ट पॉइंट बट आई ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि आप लोग इतना क्वांटिटी एक बारी में नहीं ऑर्डर कर सकते तो आप क्या करो आप इसके आसपास का कुछ भी नंबर ऑर्डर कर दो जितना इसके पास रहोगे उतना तुम्हारा कॉस्ट फिर भी कम होएगा। जितना दूर जाते रहोगे ना कॉस्ट उतना बढ़ता तुमको समझा जो मैंने बोला तो so, इस बंदे ने क्या बोला एक सॉलिड लाइन बोला बोलता इफ ईओ क्यू इज नॉट पॉसिबल इफ इ्यू इज नॉट पॉसिबल ऑर्डर एनी क्वान्टिटी विच इज नियर टू ईओ यू ऑल अंडरस्टूड दिस दिस इन रियल लाइफ इज फार मोर अ बेटर एप्लीकेशन एज कंपेयर टू ईओ क्योंकि ईओ मोस्टली विल नॉट बी पॉसिबल ओनी ओके तुम लोग को ये वाला ग्राफ मैंने समझा दिया तुमको अक्कल आ गई तुम लोगों ने उसी सप्लायर को फिर से फोन किया और सप्लायर को बोला देख हमको अक्ल आ गई सप्लायर ने बोला तो मैं क्या करूं तुमने बोला देखो आई अंडरस्टैंड एट थाउजेंड ओके तो आप एक काम करो आप हमको एट थाउजेंड सेवन नाइनटी वन यूनिट दे दो ओके सप्लायर बोलता मैं तो तेरे को गुड्स अभी दूंगा ही नहीं तुम पूछता क्यों नहीं देगा सप्लायर बोलता है बिकॉज आई ओनली सप्लाई इन लॉट्स ऑफ हंड्रेड मैं हंड्रेड के लॉट के अंदर ही डील करता हूं तुम्हे तो को जरा बोलो देन इवन दिस इज नॉट पॉसिबल तो आगे जरा बोलो वॉट टू ऑर्डर यू ऑर्डर द नियरेस्ट हंड्रेड टू इट जितना इसके पास रहोगे तो उतना अच्छा रहेगा सो यू शुड ऑर्डर बोलो ना यार एट थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट तो एक प्रिंसिपल जरा याद रखना अगेन वन थिंग दैट इज ब्लड इज नॉट टू वर्ल्ड इन द मॉड्यूल ओके दैट इफ इ्यू इज नॉट पॉसिबल ऑर्डर द क्वांटिटी विच इज नियरेस्ट टू ईओ क्यू और क्या है इस प्रिंसिपल के ऊपर ना एक क्वेश्चन है जो आईसीए ने 12 या 13 बार पूछा हुआ है और वो वाला क्वेश्चन ना उनको सॉल्व करने को नहीं आता हर बार गलत आंसर देता है हर बार मतलब इट इज नाउ फ्रॉम लास्ट फिफ्टी द सिल्वर जुबली ऑफ ऑफ सॉल्विंग सच काइंड ऑफ रॉन्ग दे डोंट नो दिस पर्टिकुलर थिंग दैट हाउ टू इंटरप्रेट द डैम ग्राफ ओके सो इफ ईओ क्यू इज नॉट पॉसिबल ऑर्डर द क्वांटिटी विच इज नियरेस्ट टू ईओ क्यू तो तुम लोग अभी एक काम जरा करो तुम लोग एक हेडिंग दो Practical application Practical application of EOQ If EOQ is not possible Order the quantity nearest to EOQ. चलो सुनो अपना लास्ट थियरी थिंग दैट वी हैव टू बी राइटिंग बिफोर आई कैन स्टार्ट अवे विद द क्वेश्चन ठीक है बराबर से ये वाला जो चीज है ये समझ लेना क्या है सुनो देखो मेरे को बोलो तुम्हारा टी का फॉर्मूला क्या होता है टी टी उसका फॉर्मूला बोलो टीसीए प्लस टीसीआई मेरे को वो मत बोलो मेरे को टीसीए का फॉर्मूला बोलो मतलब ए बाई क्यू इन टू सी ए और टी सी आई का फॉर्मूला क्यू बाई टू इंटू सी आई परफेक्ट ठीक है अभी आई एम अबाउट टू बी डूइंग ध्यान से सुनना आई एम अबाउट टू बी डूइंग आई एम बराबर से सुनो ये वाला जो फॉर्मूला ऑफ टी है ना दिस इज अवर्सल फॉर्मूला यूनिवर्सल मतलब तुम लोग क्यू का वैल्यू कुछ भी सिलेक्ट कर लो वन हंड्रेड वन फिफ्टी वन सेवेंटी फाइव ओके और इसके अंदर डाल लो तुमको टी का आंसर मिल जाएगा ठीक है तुमको तुम्हारा जो टी है वो मिल जाएगा वॉट आई एम डूइंग बराबर से सुनना ये चीज तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस फॉर्मूला फर्दर इफ कंपनी फॉलोज यो क्यू तुमको नहीं समझा एग्जाम्पल 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 तुम्हारा ए का वैल्यू दस हजार है तुम्हारा ईओ क्यू तुम लोगों ने निकाला पांच सौ है ठीक है ऑल्दो तुम्हारा ईओ क्यू पांच सौ है तुम लोग ऐसे बोलते हो सर मैं ना एक बारी में दस हजार यूनिट ही ऑर्डर कर देगा सर ओके अभी अगर तू दस हजार यूनिट ऑर्डर करेगा तेरा टी का कॉस्ट कितना होगा तू एक काम कर क्यू के बदले में तू दस हजार डाल ले तेरे को पता चल जाएगा ठीक है कि तेरा कॉस्ट कितना होगा ठीक है लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूं अगर आप क्वांटिटी जो ऑर्डर करोगे ना इओ क्यू ही है देन आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फर्दर तुमको समझा जो मैंने बोला मेरे को बोलो इज इट मैंडेटरी फॉर यू टू ऑर्डर द ईओ क्यू क्वांटिटी क्या भगवान ने तेरे को बोला है अगर तू ईओ क्यू वाली क्वांटिटी नहीं ऑर्डर करेगा तेरे को शराब दे देगा कुछ ऐसा है नहीं ना तो आप लोग ईओ वाली क्वांटिटी ऑर्डर कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो मैं क्या करने जा रहा हूं आई एम ट्राइंग टू सिंपलीफाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फर्दर अज्यूमिंग दैट कंपनी फॉलोज ईओ ठीक है तो मेरे को एक लाइन कंप्लीट करके दो इन दोनों में से मेरे को बोलो विच लाइन इज करेक्ट सोच के बोलना एवरी क्यू इज ईओ क्यू एवरी ईओ क्यू इज क्यू इन दोनों में से कौन सी लाइन करेक्ट है Every EOQ is Q no. Every Q cannot be EOQ because there is only one EOQ. Correct no? जो इधर ग्राफ बनाया भाई साहब ये वाला जो लाइन है ये सारे के सारे Q के वैल्यूज ही हैं, लेकिन इनके अंदर से एक ही बेस्ट वैल्यू होगी उसी बेस्ट वैल्यू को तुम लोग क्या बोल देते हो EOQ. क्यू तो वट आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग ये मैंने तुम लोगों से क्या क्यों पूछा कि तुम लोग ये वाली लाइन लिखो यू ऑल राइट डाउन Simplification of Formula of T assuming Company follows EOQ policy that is Q is equal to EOQ. चलो अभी तुम लोग टी का फॉर्मूला लिखो टी इज इक्वल टू टीसीए प्लस टीसीआई टीसीए के बदले में टीसीए का फॉर्मूला लिखो अच्छा सुनो मेरे को जरा बोलो इफ कंपनी फॉलोज ईओक्यू क्यू पॉलिसी तो मतलब मैं क्यू के बदले में ईओक्यू क्यू तो लिख ही सकता हूं बिकॉज आई एम माई सेल्फ कि कंपनी फॉलोज क्यू पॉलिसी तभी तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो मैं पहले न्यूमरेटर्स को क्लब कर देता हूं ए सी ए इकट्ठा लिख दिया आ, उसके बाद क्यू के बदले में इो क्यू लिख दिया प्लस सुनो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं सियापॉन्टू इकट्ठा लिख रहा हूं पहले और फिर क्यू के बदले में इओ क्यू लिख रहा हूं ठीक है और अभी मैं क्या करने जा रहा हूं ध्यान से सुनना ईओ क्यू के बदले में ना मैं ईओ क्यू का फॉर्मूला लिखने वाला हूं ईओ क्यू का फॉर्मूला अभी अभी तो डिराइव किया यार तो यहां पर टी इज इक्वल टू ए सी बाय स्क्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई प्लस सीआई अपॉन टू इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई सुनो अभी एक मिनट योर ब्लैक हिस्ट्री ऑफ सी ए फाउंडेशन और योर मैथमेटिक्स तुमको इतना शायद पता होगा शायद इफ देयर इज स्क्र रूट इन द डिनोमिनेटर यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऐसा कभी कुछ पूरी जिंदगी के अंदर सुना कभी तो रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है वो भी बता दो फिर इसी को एक बार इधर मल्टीप्लाई करेगा और इसी से एक बार नीचे मल्टीप्लाई करेगा ताकि स्क्वेयर रूट आपस में मल्टीप्लाई होके स्वेयर होकर स्क्वेयर हो रूट निकल जाए करेक्ट नो ठीक है एंड प्लीज जो लोग मैथ्स के अंदर वो वीक हैं दे माई ट्राई टू बी थिंकिंग सर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो इसको भी रैशनलाइज करो इसको रैशनलाइज नहीं करने का बेटा तूने उसको रैशनलाइज किया स्क्र रूट विल कम इन द डिनोमिनेटर फिर तू जिंदगी भर यही करता रहेगा समझ में आ गया थैंक यू यू ओनली रैशनाइज द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एंड नॉट द राइट हैंड साइड ठीक है तो यहां पे लिखो टी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई इन टू रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई डिवाइडेड बाई टू ए सी ए अपॉन सी आई प्लस ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो सेम ही है अब ये दो तीन साल पुरानी बात है मैं कोई एक बैच को सिखा रहा था जो ग्रेजुएट्स का बैच था उन, उनका कई लोगों का उसके ना मैथ्स तो बहुत सॉलिड होता है एक बच्चे को मैंने पूछा इसके बाद क्या करूं बोलता सर इसको और इसको आप कैंसिल कर दो तो सिंपल हो जाएगा ओके वैसा नहीं करने का ओके सुनो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ठीक है तो करेंगे लिखो राइट डाउन ए सी ए स्क्वे रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई प्लस सॉरी अपॉन मेरे को बोलो डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा बेटा टू ए सी ए अपॉन सी ए प्लस राइट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा टी इज इक्वल टू अच्छा कुछ ना कुछ तो कैंसिल करो यार ए सी ए और ए सी ए कैंसिल हो जाएगा ठीक है अभी सुनो 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 तुमको उतना समझ में आता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम योर न्यूमरेटर नो तो लेफ्ट हैंड साइड पे अभी क्या आ जाएगा बेटा सीआई अपॉन टू सी आई अपॉन टू इनटू स्क्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई प्लस अभी जो राइट हैंड साइड पार्ट था ना ऊपर मैं वो कॉपी कर रहा हूं सीआई अपॉन टू इंटू स्क्वेर रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई अच्छा कई लोग इसके बाद ऐसा सोचता है सर भगवान ने चमत्कार करवा दिया सर चमत्कार ये और ये सेम हो गया सर चमत्कार हो गया सुनो ये दोनों तो जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया वो डेरिवेशन स्टार्ट किया मेरे को मालूम था कभी ना कभी तो सेम हो ही जाएंगे तुमको मालूम था क्या कैसे मालूम था तुम लोगों को वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द फॉर्मूला वेन कंपनी फॉलोज इू और ईओ क्यू पर वैसे भी टीसीए और टीसीआई तो सेम होते ही है ना करेक्ट नो no? तो ये दोनों चीजें वैसे भी कभी ना कभी तो बेटा सेम होना ही था ठीक है तो बस सेम हो गया अभी मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली इसके बाद बहुत सिंपल है लेकिन चलो ठीक है डू फ्यू स्टेप्स ओवेयर फॉर दो पीपल ऑर नॉट वेरी गुड इन मैथ्स ये इसको मैं कॉमन ले रहा हूं स्क्वेर रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सी आई अपॉन टू प्लस सीआई अपॉन टू टू ए सी एन सी आई अच्छा एक मिनट ये चीज अभी मैं डायरेक्टली लिख दूं तो चलेगा क्या दिस इज हाफ दिस इज हाफ दोनों को ऐड करेगा इट विल बिकम फुल नो ठीक है थैंक यू तो यहां पे आ जाएगा इंटू सी आई अच्छा मेरे को एक चीज जरा बोलो मैं किस चीज का सिंप्लीफिकेशन करवा रहा हूं टी का बेटा टी क्या होता है व्हाट इज इट इज कॉस्ट या इट इज कॉस्ट तो आंसर रुपीज के अंदर मिलेगा सुनो 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 देखो अभी नेक्स्ट चीज समझ में आती कि नहीं ये बंदा ना सीआई जो है अकेले खड़ा हुआ है स्क्वायर रूट के बाहर मेरे को इसको अंदर लेके जाने का है स्क्वेयर रूट के अंदर लेकिन अगर ये अंदर जाएगा इल बिकम सी आई स्क्वेयर नो क्योंकि वो स्क्वेयर रूट के अंदर जा रहा है ओके ये समझ में आया ना सबको थैंक यू थैंक यू टू ए सी ए सी आई स्क्वेयर अपॉन सी आई बस काम हो गया शायद अपना एक सी आई एक सी आई कैंसिल कर दो तो आंसर आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए सी आई इसको भी डब्बे में डाल दो सुनो अभी तुम लोग क्या करो ध्यान से सुनना मेरी बात वी ऑल हैव रिटन थ्री फॉर्मूलाज नाउ यहां पे ना आप लोग ऐसे लिखो फॉर्मूलाज लर्न मैं छोटी छोटी चीजें नहीं लिखवा रहा हूं एक ईओ क्यू का फॉर्मूला वो लिखवा देता हूं स्क्वेर रूट ऑफ टू ए सी अपॉन सी आई एक टी का फॉर्मूला करवा देता हूं ए बाई क्यू इंटू सी ए प्लस क्यू बाई टू इंटू सी आई और एक और Q का फॉर्मूला लिखवा देता हूं जो अभी अभी डिराइव किया स्क्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए सी आई ये तीनों चीजें जरा लिखो अच्छा सुन को थोड़ी चीजें आंसर करना सुनो मेरे को अभी ना तुमको ये वाली चीजें बतानी है यू हैव टू टेल मी दीज पर्टिकुलर थिंग्स दैट विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई व्हेन ठीक है आई वॉन्ट बी नोइंग दैट बराबर से सुनना बराबर से सुनना क्वेश्चन ने तेरे को ए दिया दस हजार सी ए दिया सी आई दिया ठीक है वर्ड ध्यान से सुनना क्वेश्चन सेज फाइंड आउट That क्वांटिटी बस एक्चुअली मेरे को आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है e तो की। e अच्छा okay. e okay. बोलता है सर आप हमसे तीन चीजें आप ऑर्डर के अंदर ही पूछोगे ना तो पहले का आंसर वन दूसरे का ऑर्डर टू फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर थ्री देखते हैं आई लुक स्टुपेड आई एम नॉट स्टूपेड ठीक है इन एनी केस जो टी है ना दिस इज कॉस्ट ठीक है दिस इज कॉस्ट दिस इज कॉस्ट सो दे फोर ये जो टी है यह तुम्हारा कॉस्ट है मैंने तुमको क्या बोला फाइंड आउट दैट क्वांटिटी लेकिन एक्चुअली मेरे को आई हैव नॉट कंप्लीटेड टिन फाइंड आउट दैट क्वांटिटी विच मिनिमाइज इन्वेंट्री एसोसिएटेड कॉस्ट वेन आई थिंक फाइंड आउट द क्वांटिटी विच मिनिमाइजेज इन्वेंट्री एसोसिएटेड कॉस्ट इन्वेंट्री एसोसिएटेड कॉस्ट बोले तो टी और टी किधर मिनिमाइज होता है ईओ क्यू पे तो आप लोगों को ईओ क्यू निकालना चाहिए इज दिस ऑल ओके ठीक है तो अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला ठीक है तुम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया इू पांच सौ यूनिट आ गया ठीक है अभी सोच के बोलना अभी सोच के बोलना तुम्हारा ईओ क्यू जो था पांच सौ था लेकिन तुम लोगों ने सोचा मारो गोली एक बारी में पांच सौ यूनिट सर नहीं ऑर्डर करना सर मैं एक बारी में दो हजार यूनिट ऑर्डर करूंगा एक मिनट मेरे को जरा बोलो तुम्हारा ईओक्यू क्यू कितना था पांच सौ लेकिन आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग कितना यूनिट को ऑर्डर करोगे इन दिस केस टू थाउजेंड क्वेश्चन क्या बोलता है फाइंड आउट टी इफ द कंपनी ऑर्डर टू थाउजेंड यूनिट एट वन टाइम सेकेंड फार्मूला के थर्ड फॉर्मूला रिपीट करो ना क्वेश्चन अपना इओ क्यू कितना है पांच सौ लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया एक बारी में 2000 यूनिट ऑर्डर करेंगे ठीक है कंपनी ने डिसाइड किया कंपनी का मर्जी तो कंपनी डिसाइड करेगा प्लीज ऑफ योर माइक्स इफ देर इज साउंड अराउंड नाउ कंपनी ने डिसाइड किया कि 2000 यूनिट ऑर्डर करेंगे क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट विल बी टी इफ कंपनी ऑर्डर टू थाउजेंड यूनिट मेरे को जरा बोलो इस टू थाउजेंड योर यू क्यू नो तो तुम लोग कौन सा फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते थर्ड थर्ड वॉज सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सेकेंड फॉर्मूला वेन कंपनी फॉलो EOQ. EOQ. तो हम लोग योक्यू नहीं ऑर्डर कर रहे ये वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला ये तो हमेशा काम करेगा ठीक है चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर ये था सेकेंड क्वेश्चन था जिसका आंसर ये था आई डोंट आस्ट टूप क्वेश्चन आस्क यू द थर्ड क्वेश्चन नाउ थोड़े महीनों के बाद कंपनी को अक्कल आ गई कंपनी बोलते है, नहीं यार 500 सौ यूनिट ही ऑर्डर करेंगे हमेशा वो ईओ क्यू है वो ही ऑर्डर करेंगे क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट विल बी टी इफ कंपनी ऑर्डर्स 500 हंड्रेड यूनिट्स मेरे को बोलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे मैं सॉलिड क्वेश्चन पूछता है मेरे को भी रैंक मिला था एट ऑल द लेवल्स मेरे को भी रैंक मिला था मैं अच्छे क्वेश्चन पूछता हूं Obviously either apply second formula or apply third formula answer तुम्हारा सेम ही आएगा तुमको मेरा answer समझा you can apply any damn formula okay तुमको ये समझ में आएगा जिधर भी थर्ड फॉर्मूला अप्लाई होता है आगे कोई बोलेगा वहां पे सेकेंड तो अप्लाई होएगा ही होएगा थर्ड इज डराइव फ्रॉम सेकेंड ओनली नो बट नॉट वाइसा वर्सा जिधर भी सेकेंड अप्लाई होता है उधर थर्ड अप्लाई नहीं होगा बिकॉज थर्ड विल ओनली अप्लाई इफ द कंपनी फॉलोज तो फिर तुम्हारी मर्जी है इन दैट पर्टिकुलर केस ठीक है तो ऑब्वियसली इन द लास्ट केस यू कैन अप्लाई एनी डैम फॉर्मूला यार तुम्हारा जो आंसर है वो सी नहीं आएगा ठीक है एक लास्ट चीज बस ये जो तुम लोगों ने डेरिवेशन लिखा ना अपना मेरा वन एंड हाफ पेज गया मेरे को नहीं मालूम कि तुम्हारा कितना पेज गया मेरा वन एंड हाफ पेज गया ऐसा डेरिवेशन एक बार मॉड्यूल के अंदर डाला था और एग्जाम के अंदर भी पूछा था फॉर सिक्स मार्क्स मैंने करवा दिया वरना अगर मैं अपने पर आऊंगा ना दो लाइन के ना डेरिवेशन खत्म भी कर ही दूंगा चलो मैं अपने पर आता हूं वी आर ट्राइंग टू सिंपलीफाई द फॉर्मूला ऑफ टी अज्यूमिंग दैट कंपनी फॉलोज इू इज दैट राइट इफ कंपनी फॉलोज इू एट ईओ क्यू टी एंड टी आई विल बिकम सेम ओनली कभी ना कभी तो सेम होना ही है ना तो बाद का क्यों इंतजार करो आप लोग शुरू में ही सेम कर दो तो टीसीआई के बदले में टीसीआई सॉरी टीसीए के बदले में एक और बार मैं टीसीआई लिख देता हूं तुमको समझा जो मैं बोला वैसे भी सेम होने का है कभी ना कभी तो तब का क्यों इंतजार करूं शुरू में कर देता हूं तो टीसीआई प्लस टी सी आई विल बिकम टू टीसीआई टू टी सी आई बोले तो टीसीआई का फॉर्मूला क्या होता है Q बाई टू इंटू सी आई तो मतलब टी विल बी इक्वल टू यार क्यू सी तुमको समझा ये चीज मैंने बस टी सी ए के बदले में एक और बार टीसीआई ही लिख दिया और अभी मैं क्यू के बदले में इओ क्यू लिख दूंगा और ईओ क्यू के बदले में ईओ क्यू का फॉर्मूला लिख दूंगा तो ईओ क्यू का फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई ईओ क्यू के बदले में ये लिख दिया इंटू सी आई तो तुमको समझ में आ गया ये वाला जो चीज था ना ये वाला जो चीज था ये अपना सेकंड लास्ट स्टेप था तो बीच वाले सारे तुमको समझा यह चीज ओके अभी आईसीए को ये वाला चीज मेरे को नहीं मालूम समझ में आएगा क्या नहीं आएगा इसलिए मैंने तुमको वो वाला चीज वो नहीं लिखवाया ठीक है वी आर अगर एग्जाम के ना कभी ऐसा आया ना कि डिराइव द फॉर्मूला यू डू वट एवर इज देयर इन बुक्स ओनली प्लीज ठीक है ऑल ऐसे तो करेगा तो भी चलेगा ठीक है चलो दिस पर्टिक्युलर वर्क इज डन जो भी तुम लोग को थियरी मालूम होना चाहिए था फॉर सॉल्विंग दिस एंटायर क्वेश्चन दैट इज ऑल डन फ्रॉम माई साइड